नॉनस्टॉप एंटरटेनमेंट के लिए सब्सक्राइब करें शिमारू चैनल्स। बस यही सपना मुझे बार बार आता है कि मैं उड़ रहा हूं आकाश में पंछी की तरह। गगन को चीरता मैं चला जा रहा हूं, चला जा रहा हूं। और जब मैं उड़ रहा होता हूं तो साथ में एक खुशी का एहसास, ऐसी खुशी जिसको शब्दों में बयान करना मुश्किल है। ऐसी अनुभूति जैसी जीवन में दूसरी कोई थी ही नहीं, निराली, एकदम अद्भुत। लेकिन यह सपना नहीं है, वास्तविकता है। ये हवा जो मेरे चेहरे को चूम रही है, ये साय साय की आवाज मेरे कानों में, ये यथार्थ है, सच है। लेकिन आज जो मैं ये उड़ पा रहा हूं, इस सफर की शुरुआत हुई थी आज से 1.5 बरस पहले। पूछो इससे कहां गई थी ये? और ये जो बहुआ, लेकिन तब मुझे जरा भी भनक नहीं थी कि आज मेरा ये नया सफर शुरू हो रहा है। हाँ ठीक है बाबू, मुझे तो लगा आज भी बाकी दिनों की तरह साधारण सा ही दिन होगा, वही काए काए चिक चिक पक पक। अरे किया क्या है मैंने? पिक्चर ही तो गई थी उसका भंगी के साथ। वो ऐसा नहीं तो बाबू, झूठ बोल रहा है क्या? नहीं चाचा, कसम से अम्मा, कोई ना कोई नया कांड करके तीसरे दिन तो जेल में पड़ा रहता है वो। तू चुप कर जा कलमुड़ी, घर से कह के जाती है कॉलेज जा रही है, ये है तेरा कॉलेज, सबके मुंह पे काले पोत दीजो एक दिन, ऐसी धुनैया मनाए तुम्हारी तो हो गया ना। तुम तो चुप ही रहना, बोलना मती। अगर लड़की के यही लक्षण रहे ना तो देख लेना, एक दिन मैं पंखे से लटक कर अपनी जान दे दूंगी। सुबह पूजा करके उठोगे ना, देखना पुष्पा गोल 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 घूम रही है, तब कलेजे में ठंडक पड़ेगी तुम लोगों की। कॉलेज जाना बंद रहा। अरे बहुत कर ली पढ़ाई तेने, अब नहीं मिलेगी तुझसे, समझी कि नहीं? तुम मिलूंगी रीता। देख रहे हो भाई, देख रहे हो? ऐसे नहीं ना मिल रही हूँ मैं उसे, प्यार करती हूँ। अरे कलमुही, तू तो प्यार करती है उससे, मगर उसके दिल में क्या चल रहा है वो तुझे खबर है? अरे कुछ ऊंचा नीचा करके जमना फिर कसुए बहाती रहना, अरे सब मारे तुम्हें पकड़ के, अब रोक के किसे दिखा रही है? अच्छा बस बस भाभी हो गया, अरे हमें कुछ हो जाएगा बता रहे हम, बड़ी आग लग रही है इस लड़की में। चलो चलो उड़ जा, तू घर जा, चलो उठ जा, अंदर चल, अंदर इधर। चाचा चाचा समझा लो इसको, कल को कहीं भाग उग जाएगी फिर मैं ढूंढवाने भी नहीं आऊंगा, कहीं चली जाएगी। चुप करो, निकल जा। बताओ एक तो अच्छा काम करो, ऊपर से मेरे को सुना रहे, फिर आना आधी रात को टॉर्च लेके। क्या करे वो लड़का, ठीक नहीं है भाई।
जिससे पूछो एक नया किस्सा सुनाता उसका। धीरे सोरे, वो लौंडियाबाजी में नंबर एक है ना, उसके कोई आगे कोई ना पीछे कोई, ना उसका कोई काम धंधा। कल को कुछ अब क्या करें। आप क्यों परेशान हो रहे हो, रीटा की समझ में नहीं आएगा ये सब। आप भाई बेकार में हम लोग फंस गए यार इस पे। अब आ रहे हो? क्यों, क्या हुआ? कितनी ले? क्या हो गया? पंडित जी का लड़का साला एक नंबर का फट्टू, सब पक दिया। ये बउआ को तो ना इतने से ठोकूंगा मैं। अरे आज तो क्या ताई चिल्लाई है, और क्या बाबा ने धमकाया आज? आपको होना चाहिए था ना। मैं होता तो क्या कर लेता, मैं तो खुद ही फेल आइटम हूँ। ये ले आराम से। अरे आवाज आई नहीं तो ना। ये नहीं चाहिए। हाँ हाँ खा ले खा ले, उसके घर कुछ नहीं मिलेगा तुझे। उठो चाय तैयार है। अरे उठो भी, लेट हो रहा है। बोतल। हाँ हाँ हम ही देखेंगे, करते रहो ना, आप जाते तो सोएंगे ना यहाँ पे। हेलो। हेलो जी, मैं रीटा से बात कर सकता हूँ? नहीं, वो घर पे। कौन बोल रहे हैं? जी मैं अज्जू बोल रहा था। अज्जू का फोन है, माँ फोन पे तो बात करने दीजिए। कौन है भाभी, किसका फोन है? वही है। लो मुझे दोनों। चाचा। हेलो। हेलो दीजिए ना। कौन बोल रहे हैं? जी आप कौन बोल रहे हैं? अरे मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप कौन बोल रहे हैं बताइए, अपना नाम बताइए। जी मैं अज्जू बोल रहा था, रीटा से। नहीं रीटा घर पे नहीं। फोन आ रहे हैं उसके बार बार, क्या करें अब? कह रहे हैं आपसे रीटा घर पे नहीं, तो मतलब मैं लड़की का चाचा बोल रहा हूँ, रीटा का चाचा बोल रहा हूँ। और परिचय है आपको? कॉलेज गई है क्या? देखिए रीटा आपसे नहीं मिलना चाहती है। झूठ बोल रहे हो। दोबारा फोन मत कीजिए। अरे तुमका मान है खींच कर। अरे उठो तुम, सीते रहेंगे 11-11 बजे तक। हाँ। अरे तुम तो दफ्तर चले गए, रोए जा रही है जब से बैठी। मैं इसीलिए तो फोन किया, खाना खाया उसने? अरे नहीं खा रही ना, पूछ चुके हैं। अरे तो प्यार से कोशिश करना। तो प्यार से ही कह रहे हैं, हम कौन सा मार खिलाने की। हाँ बाबूजी चाय। हेलो हेलो, बताते हैं गुंडा मावाली है। गुंडा होगा अपने घर का होगा, हमसे बड़ा गुंडा नहीं है कोई, बेल देंगे साले को। नहीं 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 नहीं, अरे लुच्चे लफंगे होते हैं, ऐसे नहीं समझेंगे। अरे वो कहीं अपने गुंडों को बुला लाया तो? अरे तो क्या हम पुलिस ले चलेंगे? पुलिस ठीक है, सूरज चलेगा संग में हमारे, चिंता मत करो आप, समझे? शाम में। हाँ शमी को ले लेंगे। हाँ मैं भी जल्दी आया। बिल्कुल आप निश्चिंत रहो, बस मैं आ रहा हूँ। साले को पकड़ के तो ऋषि, ऋषि इसकी जरूरत है क्या? राजे भाई की बेटी। मैं उठा ला साथ में। अरे बोलो नहीं है यार, तुम समझ नहीं रहे हो बात को। मैंने क्या गलत सोचा है रीटा का यार? अज्जू है। कौन है? अबे गेट तो खोल तू। कौन है? अज्जू तुम ही हो? कौन है? अज्जू यही है। अरे कौन है लड़के? ऐसा बात क्या चाहिए? क्या चाहिए? अज्जू तुम ही हो? अरे चाचा यही अज्जू, मैं कह रहा हूँ ना यही है। यही अज्जू? हाँ यही है, मारो यही अज्जू से। धल्लो मैंने क्या किया? तुम बताओ तो। मैं रीटा को जानते हो तुम? रीटा को? रीटा को? अरे चाचा जानता है, यही आशिकी कर रहा था। ये जानता है? ये जानता है? शर्म आती है? बहुत ही लड़की को बर्बाद कर दो साला, ये परेशान करता है उसको। शर्म आती है? हाँ रीटा को क्या करती है? मैंने क्या किया बताओ? क्या किया? हो गया हो गया, बस हो गया सब। मैंने क्या किया? एक मिनट, इतने साले के पिछवाड़े में लाख पड़ी चाहिए। बाबू कैसी बात कर रहे हैं आप? और कैसी बात कर रहे हैं ऐसे लोगों से? मैं बात कर रहा हूँ ना, बाबूजी को लाना ही नहीं चाहिए था यार। नहीं मैं मारूंगा नहीं तुम्हें। देखो मैं रीटा का पिताजी हूँ, हम सब उसके परिवार वाले हैं, उसका भला बुरा हम ही लोग सोचेंगे ना। हाँ और तुम ना उसको तंग मत किया करो, उसका पीछा मत करो, समझ रहे हो कि नहीं? आपने समझा है? समझ गया, समझ जाएगा, पीछा थोड़ी करेगा ये। मैं तो कहता हूँ ऋषि ऐसे नहीं मानेगा इसको ना, थाने चलेगा। एक मिनट मैं हूं ना, चलो चलो उधर चलो। ये लो ऋषि तुम ये बैग पकड़ो, चलो तुम लोग मैं आ रहा हूँ, चलो चलो चलो। ये मूछे ना तेरी, अनिल कपूर टाइप सारे जगात बना फिर रहा है, इन्हें मुड़वा के सड़क पर चढ़ाए तो तुम। शर्म नहीं आती आपको? चुप रहिए। आइए जानने वाले, इसलिए गुस्सा आ ही जाता है। ठीक है ये अच्छा है भाई, लड़की छड़ी हमारी और हम ही सॉरी बोले। हाँ ठीक है ना, चलिए चलिए घर चलिए। भाई ऐसी छोड़ दिया, हो गया जो होना। पानी का? हाँ ये ले दो।
चलो भाई चलो, लो बच्ची का खाना आ गया, चलो खाना खा लो, खा लो। 24 घंटे हो गए अन खाए हुए, तबीयत खराब हो जाएगी। अरे बेटा, अम्मा थोड़ा करो ना, सुनो। क्या हुआ? अंदर चल जाओ ना, थोड़ा काम उधर जाके करो। अरे अब यहाँ बैठे हैं जाओ, चलो भैया चलो, बेटी के साथ ला लो। चलो, तुम्हारी वाली आलू की सब्जी बनी है, खा खा लो ना। अब क्या करे, हाथ जोड़ के माफी मांगे, सॉरी बोलेंगे तब खाओगी? चलो। वो ऐसा लड़का नहीं है ना बाबूजी। हाँ नहीं है वो ऐसा लड़का, हम तो देख के भी आ चुके। तुम ठीक थी, हम सब गलत। अब खा लो। खूब कूटा होगा आप लोगों ने उसे। नहीं, एकदम नहीं मारा, बिल्कुल नहीं मारा, मैंने नहीं मारा। चाचा ने तो मारा होगा, मुझे पता है चाचा बहुत मारा होगा उसे। चाचा बेटा बड़े हैं तुमसे, तुम्हारे भले की सोचते हैं, मार दिया हो ठीक है ना, लेकिन मैंने एक बार भी नहीं मारा। खा लो। और मेरा बच्चा, फोन पे बात कर सकते हैं क्या? कर लो, लेकिन किसी को बोलना मत ठीक है। ये ना अच्छा है ना आलू की सब्जी? नहीं अच्छा नहीं है, लेकिन भूख लगी है। और कभी भी खाने से दुश्मनी नहीं करनी चाहिए इंसान को। वही बैंगन मलता रहता है। अरे यहाँ ठंड में काहे बाहर बैठे हो, चलो अंदर चलो। आओ तुम भी आगे बैठ जाओ। क्या हो गया? कुछ होगा तभी आओगी क्या? कितने गधे हैं हम लोग। वो पंडित कलौंडा आके कुछ भी अनाप शनाप बक गया अज्जू के बारे में, और हमने मान लिया कि अज्जू ऐसा होगा वैसा होगा वैसा होगा। मेरी तरफ देखो, मैं आज मिला था उससे, लड़का एकदम गाऊ है। वाह भाई वाह, तुम तो देखते ही पहचान गए उसे हैं? और बाकी के सारे लोग गलत हो गए। तो फिर क्या करें, अपनी आंखों देखी पे यकीन ना करें, दूसरे जो कहे उसको मान ले। अच्छा चलो ठंड लग जाएगी, अंदर चलो। तुम भी देखती ना तो कहती लड़का एकदम गाऊ है। उसके सामने ये हमारे घर वाले गुंडे लग रहे थे, वो बेचारा तो एक बार भी कुछ एक आवाज तक नहीं निकाला। वाह 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 वाह, वो तो बेचारा है, तुम्हारी बेटी बेचारी है, तुम बेचारे हो है ना, और घर में जितने लोग हैं सारे के सारे पागल। जा रही हूँ मैं, आ जाओ जल्दी, ठंड हो रही है भाई, चलो अंदर आओ। एक बात समझ में आई कि हम लोग के साथ कितना बड़ा धोखा हुआ है। मार मार के दुनिया भर का झूठ हमारे अंदर ठूस दिया गया, और हम गले के बच्चे सब कुछ आंख मूंद कर सच समझ कर सटक गए पूरा का पूरा, और उसी झूठ को अपना सच समझ लिया। बाबूजी एक मिनट। फिर झूठ बोल रहा, सुबह सुबह बकवास है ये भाई। अखबार खबर नहीं है ये, खबर वो होती है जो आप आंखों से देखते हैं कानों से सुनते हैं, बाकी सब बकवास गंद। भाई अखबार दो ना। लो अखबार। और तुझे जो स्कूल में पढ़ाते हैं, जिसको तू रट्टा मार मार के याद कर लेता है, वो तेरा भोगा हुआ सच नहीं है। अपना सच ढूंढ, दूसरों के सच पे यकीन क्यों करता है? ताया जी एग्जाम भी तो आ रहे हैं। एग्जाम, परीक्षा, इम्तिहान। देखो सीधी सी बात, जो तुम्हारा काम है, जिसको तुम जानती हो, जिसको तुमने जिया, वही तो हकीकत है ना, वही तो जिंदगी है, वही सच है, बाकी का क्या है? हाँ बेटा क्या गारंटी है? जा रही हूँ अम्मा, हाँ 3 बजे तक आ जाऊंगी। अरे तुम तो समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ। हाँ नहीं नहाने जाओ, लेकिन जो बात मेरी समझ में आई है वो ये है कि जो बात आप अपने अनुभव से नहीं जानते उसे कैसे यकीन कर सकते हो? सही कह रहे हैं भाई, ये तो मतलब कही सुनी वाली बात हो गई।
तुम्हें किसी ने कुछ कह दिया और तुमने मान लिया, अब जो मैं कह रहा हूँ उसे झट से मत मान लेना, क्योंकि वो मेरा सच, तुम्हारा सच कुछ और। सत्य दादाजी, मैं जाता हूँ, लेट हो जाऊंगा। अरे सुन तो, स्कूल से सीधा घर आई हो तो मारूंगी, ठीक है? अरे तुम तो सुन रही हो ना, एक ही सच है। पानी गरम है, नहा लो। पानी गरम है, ये तेल। ये तेल ले लो, पूरे शरीर पे अच्छी तरह लगा लेना। मैंने फैसला कर लिया है। मेरा सच मेरे अनुभव का सच होगा। आज से मैं हर उस बात को मानने से इनकार कर दूंगा जिसे मैंने खुद देखा या सुना ना हो। हर बात पे सवाल करूंगा, हर चीज को दोबारा देखूंगा, सुनूंगा, जानूंगा, अपनी नजर के तराजू से तौलूंगा। और कोई भी ऐसी बात जिसको मैंने जिया ना हो उसको अपने मुंह से नहीं निकालूंगा। जो कुछ भी गलत मुझे सिखाया गया है या गलत तरीके से सिखाया है वो सब भुला दूंगा एकदम टोटल। एक मिनट, अभी मैं बोल रहा हूँ ना, अब सब कुछ नया होगा, नए सिरे से होगा, सच्चा होगा। बात करने दोगी मुझे? सच्चा होगा, अच्छा होगा, सब कुछ नया होगा, जो देखूंगा उस पर ही विश्वास करूंगा। हाँ तो पुष्पा, क्या बोल रही थी तुम? बोलो। मैं ये बोल रही थी कि ज्ञान बाद में बगाड़ लेना, पहले पहन तो पहन लो। हाँ, तो तुम्हें तो ना नई नजर से दिखाई देता है ना पुरानी नजर से। अगर दिखाई नहीं देता तो कम से कम तो हंसने की क्या जरूरत है? कुछ भी नया सोचो, तुम औरतों का मैंने देखा ही। चुप रहो। अच्छा अच्छा। राम राम, राम राम राजे बाबू। लो प्रसाद खाओ। अरे सोच क्या रहे हो, खाओ। अरे क्या देख रहे हो, प्रसाद खाओ। मिठाई प्रसाद है, गुप्ता जी का चढ़ावा है। कलाकंद था, बढ़िया था, स्वादिष्ट था, मीठा था। अरे भगवान का प्रचार, कलाकंद था। भाऊजी नमस्ते। काम हाथ लागी लागी नहीं धूप, हे आज लागी लागी नहीं धूप, के दिखे धूली साफ मन की चदरिया, बिना दाग सारी डगरिया, दसों दिशा आज समरिया, लिए नया रूप, आज लागी लागी नई धूप, हो हाथ लागी लागी नई धूप। सत्या जी, बाबूजी तू सत्या ही है ना? जी। कमाल है, मैंने पहले तुझे कभी देखा ही नहीं, तू कितना खूबसूरत है। क्या बाबूजी, सुबह सुबह टांग खींच रहे हमारी आप। गुड मॉर्निंग राजे बाबू, ये रख रहा हूँ, देख लेना। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मनीष, तूने कभी सत्या को देखा है? हाँ, वो सामने जा रहा है। कितना खूबसूरत है ना वो। सुबह सुबह क्या खा के आयो राजे बाबू? अरे मनीष सुन, तू भी बहुत खूबसूरत है। चाय पीजिए, ठंडी हो जाएगी। नहीं सच बोल रहा हूँ मैं। हाँ बिना राजे बाबू। नजर मेरी आज उड़ी है बिना कोई डर, हाँ जहाँ पाँव पड़ते जाएं नहीं कोई छोर, डगर वही पहचानी है, खबर वही जग जानी है, आँख देखी तो मानी है जादू ये अनू। पता नहीं कहाँ रख देती हो। अरे कभी वर्जिश भी कर लिया करो। क्या हो गया, बड़ी जल्दी तैयार हो गए? हाँ, तुम बस पूजा नहीं की ना, तुम नाश्ता निकाल लो। अरे पूजा क्यों नहीं की? अरे नहीं की बस, तुम नाश्ता निकालो। क्या खा रहे हो अशोक बाबू? क्षमा कर देना हमें, अरे इनका दिल बहुत साफ है, आपको दया के सागर माफ करें। ये सीधे आते हैं। ये रे बाबूजी। क्या रहा है? राम राम पंडित जी। क्या हुआ राजा बाबू? पंडित जी। नमस्कार पंडित जी। क्या हाल है? आजकल दर्शन नहीं होते आपके?
क्या बात है, भगवान की जरूरत नहीं रही या फिर विश्वास ही उठ गया भगवान से? अरे ऐसा कुछ, बस एक फैसला कर लिया पंडित जी कि जिस सच को मैं देखूंगा नहीं ना, उसे स्वीकार नहीं करूंगा। ये मतलब मेरा फैसला है। तो क्या चाहते हो, भगवान स्वयं प्रकट हो जाए तुम्हारे सामने? महाराज जी ऐसा प्रबंध करा दो तो मतलब मजा ही आ जाए। मतलब यहाँ बैठे हम लोग चाय पी रहे हैं, बस बस शिव जी के साथ। बहुत ज्यादा सयाने हो गए हो तुम, न धर्म में विश्वास रहा न भगवान में, पछताओगे, कह देते हैं पछताओगे। अरे अरे छोड़ो तो, तुम तो चाय पी के जाओ, मारते क्यों रहते हो? भगवान के दर्शन करेंगे। छोड़ के आता हूँ यार इनको। अरे बाबू जी तुमने पंडित जी को टेंशन दे दी। आप वो बात तो मानोगे ना जो सब लोग मांगते हैं? जैसे कि? जैसे देश के प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह हैं। होंगे? अरे भाई होंगे बोल रहे हैं। और क्या? अरे देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह हैं तो हैं, मतलब आप होंगे कर रहे हैं ऐसे कैसे? बाबूजी ये कैसी बातें कर रहे हो आप, ये तो बच्चों को भी पता है भाई। होगा, देर मत जाना। बाबूजी रोज सुबह शाम रेडियो में टीवी में आ रहा है भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह है, फिर आप कैसे इनकार कर सकते हो? बाबू हम कहाँ इनकार कर रहे हैं मेरे भाई, पर आप हाँ भी तो नहीं कर रहे। अरे शिवू आओ, मैं कह तो रहा हूँ होंगे। वाह बाबू जी वाह, आपने तो बेचारे मनमोहन सिंह पे बहुत बड़ा उपकार कर दिया। बाद में बात चलिए तो। अरे भाई इसे कहते हैं मेल मैन बाबूजी, मतलब तो रास रंग आदमी की जिंदगी से गायब हो जाता है ना। क्या तो बोल रहे हैं बाबूजी, ऐसी हरकतें करेंगे? अरे मेल मेनोपॉज मिड लाइफ क्राइसिस, कहाँ सोच रही हैं आप? शिवू बाबू होगा। बाबूजी आप भी कमाल करते हो, सब कुछ होंगे और होगा के हाथ सौंप रहे हो, मतलब कुछ निश्चित भी है कि नहीं? दिन है। क्या बात कही है, अब रात होगी? हाँ वो निश्चित। बाबूजी तो आ रहे आज? होगा। होगा नहीं बाबूजी, है संडे। होगा होगा, इनको कुछ खिलाओ। सब कुछ बंद है, स्कूल बंद है, बैंक बंद है, मेरी प्रेस बंद है आज। बाबूजी वो कचौरी वाले की दुकान भी बंद है। आज तो स्कूल की भी छुट्टी है बच्चों की। ये लो बाबूजी, सब मान रहे हैं कि आज इतवार है, तो किसी वजह से ही मान रहे हैं ना, हैं? देखो ये सुविधा के लिए बनाया गया एक साधन है, जैसे कि भाषा। सबने मान लिया कि फ के आगे लॉ लगा दो, एक शब्द बनेगा फल, और फल का मतलब तो सब जानते ही हैं। सही कह रहे हो आप, जब आप फल को फल कहोगे तभी तो हम लोग बातचीत कर पाएंगे। सही बात है, नहीं तो तुम तो को फल और हम कैसे बम। कैसे? अरे रहने दीजिए शिवू बाबू। अरे मीठा है कि नहीं है? बहुत मीठा है, बहुत। शिमला का है? शिमला का होगा बम। होगा। बहुत अच्छी लगी ये बात, मैं कहना बस मजाक मत समझो। हम नहीं, माय गॉड सुना भी आते हैं। दिखा रहा है सर, दिल्ली एम्स्टर्डम की फ्लाइट दिखा रहा है 17 तारीख को, मगर फ्लाइट है तो मगर क्या होता बाबूजी? मगर इसलिए सर क्योंकि मैं कभी वहाँ गया नहीं हूँ ना, तो मैं कैसे कह दूँ कि कितने घंटे की फ्लाइट है, वहाँ बर्फ पड़ रही है या लू चल रही है, मैं जानता नहीं हूँ ना, इसलिए मैं कुछ भी अनाप शनाप बोल के क्यों अपने आप को झूठा साबित करूँ? जी हाँ, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ कि मैं राजे बोल रहा हूँ, इस विषय में मुझे कोई संशय नहीं। फिर क्या हो गया राजे बाबू, पहचाना नहीं? मैं शर्मा बोल रहा हूँ, शर्मा पहाड़गंज से। आप शर्मा बोल रहे हैं, आपकी आवाज से बिल्कुल लग रहा है, लेकिन अब लेकिन पहाड़गंज से बोले या दरियागंज से बोले ये मैं कैसे मान लूं? अरे मैं कह रहा हूँ कि मैं शर्मा बोल रहा हूँ तो मैं ही बोल रहा हूँ ना। नहीं ये आप कह रहे हैं ना, कानों की गवाही है आंखों की नहीं। अरे बाबूजी पागल हो गए क्या? सही कह रहे हैं आप, आजकल कुछ लोग मुझे पागल ही समझ रहे हैं, आप लोग मुझे पागल समझ रहे हैं, तो ये मैं कैसे मान लूं? ये तो आप लोगों का अनुमान है ना, नहीं कोई प्रमाण तो नहीं है ना। मगर काट दिया तो और क्या, आरती उतारेगा क्या? नहीं मैं कुछ गलत कह रहा था क्या? तुम बताओ, तुम तो यंग हो, गलत बोल रहा था क्या मैं? नहीं बिल्कुल नहीं, हंस रहे हो मुझे, कमाल है यार। वेबसाइट पे लिखा हुआ है ना अराइवल टाइम क्या है, डिपार्चर टाइम क्या है। जी सर। तो आप टिकट काटिए ना, उसमें दिक्कत क्या है? सर आप समझ नहीं रहे, आप अंदर आइए, पहले अंदर आइए, अंदर आइए, आइए। जी सर। हाँ नहीं बताइए मुझे, मैं क्या नहीं समझ रहा हूँ, मुझे समझाइए ना। Yes, मतलब जिस जगह मैं गया नहीं हूँ उसको मैं कैसे कह दूं सर कि तो मैं कहाँ कहाँ नहीं गए हैं आप? सर एम्स्टर्डम। पेरिस गए हैं?
लंदन गए, शिकागो गए, टोरंटो गए। अच्छा कहाँ गए हैं ये बताइए, कहाँ गए, कहाँ हैं आप? वैष्णो देवी गया था लास्ट दो साल पहले। अरे यार तो क्या मतलब वैष्णो देवी की टिकट काटोगे जिंदगी भर यहाँ बैठ के? हाँ और वैष्णो देवी तो फ्लाइट जाती नहीं है, तो क्या करूँ, बंद कर दूँ ये एजेंसी, बंद कर दूँ? अरे भाई इतनी छोटी सी बात नहीं समझ में आती है आपको? आप आपका काम है टिकट काटना, भाई जाओ टिकट काटो। जी सर। काटो ना। काटता हूँ सर। तो खड़े मत रहो ना, जाओ काटो टिकट भाई। जी सर। अरे वो किधर है मेरा सिगरेट का पैकेट? क्या बाबूजी मिल गया बोनस? बाबूजी ओले पड़ रहे थे एम्स्टर्डम में क्या? भाई तुम ही लोग करो नौकरी, जिसका काम उसी को साजे दूजा करे तो डंडा बाजे। अरे बाबूजी बुरा क्यों मान रहे हो, हम तो हर रोज डंडे खाते हैं। छोटी छोटी बातों पे नाराज होता है क्या कोई, ऐसे जिंदगी कटती है क्या? अब जिंदगी तो कट गई, तुम लोग की उम्र है, तुम लोग करो नौकरी, मेरा तो छोटा भाई है, बच्चा है, संभाल लेंगे सब। अरे बाबूजी इतनी सी बात में नौकरी छोड़ दोगे क्या? अरे बाबूजी मजाक चल रहा था, मजाक नहीं। सुनो इसमें सारे पेपर्स हैं, तुम मेरी बात सुनो, फाइल देख लेना और अपनी शादी में जरूर बुलाना और अपना चश्मा ठीक करो बेटा, ठीक है? चलो फिर। क्या बाबूजी, बाबू इधर बाबूजी, महीने के आखिर तक तो रुक जाओ, अच्छे से काम करना, ठीक है? बाबूजी खुश रहो, खुश रहो, कुछ नहीं सब ठीक है। सत्या जी, जी बहुत खूबसूरत है आप सचमुच, अच्छे से रहना। क्या है? आपसे मिलने आया है। बहुत अच्छी चाय है, मैं जब भी बनाता हूँ पता नहीं स्ट्रांग बन जाती। मैं कह रहा था मैं रीटा से शादी करना चाहता हूँ। तेरे काम धंधे का कुछ पता नहीं है, करता क्या है तू, आमदनी का कोई जरिया है, कुछ कमाता है क्या? LIC एजेंट हूँ, वो तो चल ही रहा है, एग्जाम भी दिया है सेल टैक्स का, पास हो गया तो गवर्नमेंट जॉब ही लग जाएगी। अकेले रहते हो भैया? हाँ अभी तो। हाँ और तुम्हारे वो मम्मी पापा? वो तो मुरादाबाद में, उनकी भी गवर्नमेंट जॉब है, उधर ही सिविल लाइंस में घर भी दिया हुआ है। चलो भैया फिर आना कभी, हैं? नमस्ते भैया। जाओ। नमस्ते। हो गया। अरे लेके जा यहाँ से, इन्हें देखो ना दीदे बने पड़े, खा ले और ले ले। लता। जी। लता एक चाय और बना दो भाई। अभी फोन करियो, फोन करियो। हाँ हाँ चल चल। अम्मा थोड़े पैसे दो ना। अरे पागल हो क्या, पिछले सोमवार ही तो दिए 50 रुपए तुमको। खत्म हो गए ना, 20 रुपए तो दे दो। अरे सोमवार तुम लोगों का दर्द ही नहीं है पैसे का। सुबह सुबह इंसानों से बात किया करो बेटा, यहाँ आओ। कुछ भी दे दो ना, 20 रुपए दे दो ना बाबूजी। थैंक यू। ऐसे जाओगे क्या आप ऑफिस? ये ले 10 रुपए। थैंक यू। अच्छा अम्मा मैं जा रही हूँ। काली से सीधी घर आना। जी जी बाय। अरे तुम क्या बैठे हो, हैं मसर मसर हाथ चला रहे हो, फिर कहेंगे कि देर हो गई, डब्बा कहाँ है, ये कहाँ है, बच्चों से भी गए गुजरे हो तुम। अरे पूजा तो कर लो आज। नहीं ठीक है। अरे क्या कर रहे हो तुम, हे भगवान इनके दिमाग को तो आप जानते हो, माफ कर दे भाई। नहीं ये ले पगार जी, कल लेट नहीं होना, ठीक है? ठीक है जी, सॉरी 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 जी। ओ मरे। ए अशोक। ताया जी आप क्या यहाँ क्या कर रहा है? वो कुछ नहीं ताया जी, वो प्रोजेक्ट था ना हमारा बॉटनी के लिए, तो उसके लिए फूल पत्ते जमा कर रहे थे। बाकी बच्चे? वो यहीं पे है, वो फूल पत्ते देख रहे हैं वो। अच्छा ताया जी मैं लेट हो रहा हूँ, मैं निकलता हूँ, प्रणाम। सुन, सुन क्या हुआ? मैं भी ऑफिस के काम से ही आया हूँ। अच्छा ठीक है ना, प्रणाम मैं निकलता हूँ। अरे कहाँ है अम्मा, अम्मा कहाँ है, कपड़े
अरे आगे कुछ बोलोगे? अरे अम्मा वो बाबूजी उधर पार्क में दौलत की चाट मिल रहे हैं, यहाँ घर से तो बड़े प्यारों के जाते हैं, जूते पॉलिश कर दो, वहाँ पे देखो पार्क में क्या कर रहे हैं। अरे दौलत की चाट मिल रहे हैं, ऑफिस ऑफिस नहीं जाते, बहुत हल्ला मचाते हैं। बाबूजी राम राम, बम फट रहे हैं, बम टूटी बंद कर दो। इस तरह आया नहीं करते। क्या हुआ? क्या हुआ फिर से तूने कुछ है? आपने किया। अरे पुष्पा क्या हुआ? अरे हटो तुम। ए रीटा, हाँ? कपड़े लेके जाओ भैया, यहाँ पर सारे कपड़े यहाँ पड़े हैं। अरे कोई कुछ बोलेगा, इस घर में क्या हुआ? हाँ, बताओ ही नहीं, मुर्दा बने बैठे हैं सब। क्या हुआ? आपके ऑफिस फोन किया था, वो बोले कि आप तो नौकरी छोड़ दी हमने। ये देखो कितने आराम से बोल रहे, नौकरी छोड़ दी इन्होंने। अरे 10 दिन से काम पे नहीं गए हैं और यहाँ कानो कान खबर नहीं। अरे खबर करने की क्या जरूरत है, जरूरी और बात बताई जाए, नहीं बताया। क्यों नहीं बताया? मुझे ऐसी जगह काम ही नहीं करना जहाँ बार 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 झूठ बोलना पड़े। आए हाय, अरे वाह भाई वाह, ये देखो ये बोले हमारे सत्य हरिश्चंद। और जब घर से यहाँ ये सुबह सुबह ला हमें टिफिन दे दो, ला हमारा बैग दे दो, और जब ये दफ्तर जा रहे थे वो झूठ बोलना बोलना नहीं था, और दफ्तर में जरा झूठ बोलना पड़ा तो काम ही छोड़ कर बैठ गए। अरे इस झूठ और उस झूठ में फर्क है भाई। हाँ, फर्क तो है भैया, ये झूठ तो तुमको पैसे नहीं देता और वो झूठ पे तो तुमको पैसे मिलते थे, तनख्वाह आती थी घर में तो हम बच्चों को खाना वाना खिलाते थे, घर का सारा काम चलता था, तो वो तो तुम्हें बर्दाश्त हुआ नहीं, और हुआ इसलिए नहीं क्योंकि तुम तो खेरे खानदानी रही। अरे सुन रहे हो, इनके तो बाप दादा की बहुत जायदादें पड़ी हैं, सोने की खाने पड़ी हैं, ये क्यों करेंगे नौकरी? ए, इनके तो घोड़ा चल रहे हैं, हाथी चल रहे हैं सड़कों पे। और बच्चों हम तुम्हें पता क्या खिलाएंगे, चांदी के सिक्के खिलाएंगे, और इनके बाप दादा ने जो सोने की ईंटें रखी है वो काट काट के देंगे। अरे हम तो बहुत दुखी हो गए, तुम लोगों से छोड़ छाड़ के चले जाएंगे, एक दिन ये घर बता रहे तुम लोगों को, दुखी करके रहेंगे हम। अरे क्या करें, किसके पास जाएंगे भाई, छुट्टी लिए के अब क्या करना, नौकरी तुम हो, शम्मी है, इतनी कट गई आगे कटी जाएगी, कटेगी कि नहीं कटेगी? ये अच्छा है, खाना सब पूरी छह चपाती खाते हैं पर काम करने को कोई तैयार नहीं। और शम्मी को शर्म नहीं आती क्या, वो कोई काम क्यों नहीं कर लेता? सबके सब यहां मुंह बाई खड़े रहते हैं बस, और तुम बात क्यों नहीं करते, कह क्यों नहीं देते? बोलूंगा। कब बोलोगे? बोला ना बोल दूंगा, समझ नहीं आता। अरे क्या हुआ? अरे सत्यानाश, यहाँ गरम कढ़ाई कहाँ बीच में छोड़ के चली गई। जल गया क्या? अरे जलेगा नहीं, छाला पड़ गया, या बीच में ही तेल गरम छोड़ दिया। अरे अभी तेल पलटा था उसमें। अरे तो तेल पलटा था तो यहाँ छोड़ के चली जाओगे, चौतरे में रखोगी कि नहीं? अरे नहीं छोड़ो, हमें नहीं चाहिए बर्फ, छाला पड़ रहा है हमारे। चीफ में कलेश, क्या बोली तुम? कुछ नहीं बात। अरे क्या बोली, ऊंचा बोलो। एक तो हमारे हाथ में छाला पड़ गया, ऊपर से हम कुछ बोले भी नहीं। अरे जितना हम चुप रहते जितना चुप रहते उतना ही दबाव हमें सब। हो गया ना भाभी, अब क्या हो गया, क्या हो गया है? अब अगली बार ये उबलता हुआ तेल हमारे सर पर ही डाल देना, तब ठंडक पड़ेगी कलेजे में तुम लोगों के। अरे अब तो हाथी हो गई है, हाथ जल गया, ऊपर से ये करो वो करो। नमस्कार। कमाल है ना, राम राम ना, दुआ सलाम। नाकी चढ़ी रहती है। अशोक, अशोक है घर पे? अशोक पापा बुला रहे। हाँ पापा। आइए बाहर आइए, आइए इधर आइए। क्या हुआ? हाँ पापा। अरे कुछ बोलोगे, क्या हुआ है? बताओ अपनी अम्मा को, बताओ। क्या हुआ? बताओ अपनी अम्मा को क्या हुआ है? अशोक बताओ अम्मा को क्या हुआ है? क्या बताओ? अरे कर क्या रहे हो? बड़े इतने फेल है, रिपोर्ट पर साइन कराना पड़ेगा हमसे, करके स्कूल ही नहीं जा रहा है। अरे बच्चे अरे
छोटा भाग जाएगा भैया। अच्छा भाग जाएगा तो देखो कैसे ढीठ की तरह से देखा है, समझ में नहीं आती बात करो। बस हो गया ना, बस बस भी करो, बस करो, हद कर दी तुमने। हाय तेरा बच्चा अशोक। अरे देखो भाई क्या कर रहे हैं ये लोग, देखो ना भाभी पागल ही हो जाते हैं। तो फेल कर दिया ना बच्चे को आपने, तो क्या करता सर? 10 में से 7 सवाल तो छोड़ दिया आपके महानुभाव ने, और जो 3 कर गया है वो भी गलत। सवाल ही टेढ़े मेढ़े से पूछते हैं आप लोग। देखिए कोई भी टेढ़ा प्रश्न नहीं है और ना कोई मेढ़ा है, कुछ भी आउट ऑफ कोर्स नहीं है, आप चेक कर लीजिए ना। अरे चेक क्या करना है, हम जानते हैं अपने बच्चे को। श्रीमान अशोक किधर आओ बेटा। हाँ ताया जी। संस्कारी लड़का है, होशियार है, मेहनती है। मैडम जी घूम घूम करके बॉटनी पढ़ता ही है, सारे विषयों में पास है, सिर्फ इनके गणित में फेल है। मेरा गणित? जी। अरे सर मेरा गणित नहीं है ये, CBSE का गणित है। और जरा हटी जरा प्लीज, जाने दीजिए। रमेश बाबू गलत शिक्षा दे रहे हैं आप बच्चों को। दो समानांतर रेखाएं इन्फिनिटी पे जाके मिल जाती हैं। अरे ये कोई सवाल है? मतलब दो समानांतर रेखाएं कैसे मिल सकती हैं सर? मैं आपसे बहस नहीं करना चाहता। नहीं बहस करने के तो काबिल भी नहीं है आप, क्योंकि आपके गणित की बुनियाद ही गलत। छोड़िए सर, जाने दीजिए आप प्लीज। नहीं रमेश बाबू मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि दो रेखाएं समानांतर रेखाएं इन्फिनिटी पे जाके कैसे मिल सकती हैं? अरे कहने का मतलब यही है कि इन्फिनिटी पर मिलती है, यानी कि कभी नहीं मिलती है। बस यही बात मैं कह रहा हूँ कि कभी नहीं मिलती है। मिलती है, इन्फिनिटी पर मिलती है, किताब के अंदर प्रूफ है ये। अगर पढ़ा होता ना इसने तो जानता ये सब कुछ। रमेश बाबू सुनिए तो सही, गणित है ये? गलत है ये। जब दो रेखाएं आपस में मिल गई तो समानांतर कहाँ रहा उनमें? अरे सर यही तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि दो समानांतर रेखाएं कभी नहीं मिलती, लेकिन वो मिलती हैं पर मिल नहीं सकती। वो सिर्फ अगर मिलेंगी तो इन्फिनिटी पर मिलेंगी, लेकिन वो मिलती नहीं। क्या बेटा चल जा। अरे क्या कर रहे हैं आप? आप मुझे क्यों कन्फ्यूज कर रहे हैं ये बताइए आप। इन्फिनिटी सिक्योरिटी। रमेश बाबू रेखाओं के चक्कर में स्वास्थ्य मत बिगाड़ लीजिएगा आप अपना। जा रहे हैं, बहुत इज्जत दी आपने, चलो बाहर निकालो इनको। जा रहे हैं, ये गेट उधर है। सुनो कितनी तनख्वाह है तुम्हारी? जी यहाँ काम करते हो कितना पैसा मिलता है? 1200 रुपया। 1200? अगर अगले महीने से आधा कर दे तो? क्यों सर? नहीं आधा कर देंगे तो कितना मिलेगा? सिर्फ 600 रुपए पर। बस 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 यही गणित है, समझा देना अपने गणित के मास्टर जी को। ठीक है नमस्ते अशोक। अरे सर अशोक हमने कुछ नहीं किया है, राम कसम वो आपने कुछ नहीं किया। आप चाहिए चाहिए देख रहा हूँ, इसे मैंने छोड़ा और ये गिरा। वाह कमाल हो गया। गिरा अब इसके पीछे क्या कहानी है मुझे नहीं पता। बाबूजी मुझे पता है, इस कहानी के पीछे गुरुत्वाकर्षण का नियम है, लॉ ऑफ ग्रेविटी। वो मुझे नहीं पता, और तुम्हारी शक्ल देख के लग रहा है तुम्हें भी नहीं पता। मुझे सिर्फ इतना पता है कि ये मैंने लिया और ये ये मेरा सच, मेरा जिया हुआ सत्य। अरे भैया हमारे घर में तो सुबह से सफाई भी नहीं हुई, जरा पैर उठाओ लगा भैया। मगर बाबूजी अगर ये सब चीजें गिर रही हैं तो इसके पीछे कोई ना कोई सिद्धांत तो होगा ना। अरे सिद्धांत चौधरी साहब सिर्फ इंसानों के होते हैं। अपने सिद्धांतों के चक्कर में तो उन्होंने नौकरी छोड़ दी है। लेकिन बाबूजी जी आपने नौकरी छोड़ दी? कुछ बातें हैं जो कि मतलब है, जैसे कि बोलना, जैसे कि पृथ्वी गोल है। बेटा पृथ्वी गोल है, ये गोल दिखाई दे रही है तुझे? मुझे तो सपाट दिखाई दे रही है। अगर पृथ्वी गोल होती तो लता ना झाड़ू देते देते तो उधर लुढ़क जाती और अशोक इधर टंग के पड़ रहा। मतलब मेरे कहने का मतलब ये नहीं था बाबूजी, ये तो बहस के लिए बहस हो गई। बाबूजी बिना कुएं के मेंढक जैसी बातें करते हैं। हाँ मैं मेंढक हूँ लेकिन अपने कुएं से मैं परिचित हूँ, उसको जानने की कोशिश कर रहा हूँ, उससे अपना परिचय बढ़ा रहा हूँ। तू भी ना बिल्कुल जस्ट देख रहे हैं शिव बाबू जी, पंडित जी का लौंडा कभी कीड़ा बोल रहा है, कभी कुआं बोल रहा है, कभी मेंढक बोल रहा है। मेरे ही घर में मदन चोपड़ा बने बैठा है। हाँ जो भी चोपड़ा हो पैर नीचे रख, इसी घर पे जाहिल कहीं का बेहूदा कहीं का। तू मेरे कैसी बात करता है, तब पट 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 बोलता रहता है। अरे कोई माचिस देगा क्या? पैसे कहाँ चला है? क्या ये? वो मेरी पहली कमाई है, आज वो तनख्वाह मिली थी ना, खुश रहो तो खुश। मैं अरे वाह अच्छा काम किया, जमा को दे दे। अच्छा सुन कितना है? 5000 रुपए दिखाइयो अब दे दे।
अपनी जवानी में कमा के लाए थे, अपने बाबूजी को दिए थे। धूम चुड़ैल कहीं झूम झूम गाए मोरा आज कण कण, जैसे उठता भोर राग हो, जैसे अंबर जाए जाग हो, दूर पार से दे पुकार हो, आज मन तार तार ले चला रे, ले चला ले चला रे बसंत ओ यार, ले चला रे ले चला। वक्त का चक चले घूम घूम रे, चलती संग बैयार संगत चलत पिया रंग रंग रे, हाथ पकड़ बाजार हाँ चले संग पिया रे, हाँ चले संग पिया, बस एक बार वो दे पुकार आज मन तार तार। आए बाहर आए बाहर आए बाहर खेल रही डार डार, आए बाहर आए बाहर आई बाहर। ये कैसा लग रहा है? क्या बेकार है, चल कुछ बता ना। जो है सो बता रही हूँ ना, मेरी मर्जी से थोड़ी ना चलता है सब कुछ। अच्छा बता ये कैसा है? भद्दा है अज्जू। एक टक ताक रहे लोग आज रे, अंबर रूप सुहास शाम में होवे जैसे लाल लाल रे, टेसु और पलाश हाँ चले संग पिया, हाँ चले संग पिया, बस एक बार वो तीर मार आज मन तार तार। आए बाहर आए बाहर आए बाहर खेल रही डार डार, आए बाहर आए बाहर आई बाहर। भाई शमी आया? हाँ खड़ा हूँ। पैसे लिए तूने? हाँ थोड़े से ज्यादा पैसे लिए। कितना? वो 28,000 रुपए। बोल तेज बोल। 28,000 रुपए। वो मैं आपके पैसे वापस कर दूंगा जल्दी। उधारी का जुआ नहीं चलता। नहीं नहीं वो तो नहीं, नहीं चलता। तेरे बाप का बैंक नहीं खोला हुआ मैंने यहाँ? नहीं नहीं वो हाँ। कब? जल्दी कर दूंगा मैं। कब? एक दो 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 हफ्तों में कर दूंगा आपके पैसे वापस। चल बोट बोट। हाँ बाय चलता हूँ। ताई जी है क्या? उधर उधर उधर। हाँ अशोक इधर आ जा। क्या हुआ, किसने दिया ये? मैं पास हो गया। अरे मुबारक हो अशोक। मास्टर जी ने पास कर दिया तुझे? हाँ। अरे वाह। खाओ खाओ मिठाई खाओ। हाँ हाँ हाँ। चचा को खिलाओ, चौधरी चचा को। नहीं नहीं बेटा मेरे को तो शुगर है। अच्छा। अरे इनको खिलाओ, पास हो गया ये। हाँ। ऋषि का बच्चा है। हाँ। हर इंसान का अपना अच्छा होता है अपना बुरा होता है। ये हलवा मेरे लिए अच्छा है, तेरे लिए बुरा। बुरा हमेशा ही बुरा होता है। अब जाइए उसके बाद। क्या हुआ? तुझे लगा क्यों भाई? ये हलवा तेरे लिए क्या? क्यों भाई? क्या हुआ? एक बात करनी थी आपसे। क्या बात? क्यों भाई बोलना? हम लोग सोच रहे थे कि शायद से दूसरी जगह देखने की सोच रहे थे। दूसरी जगह मतलब शिमला मसूरी जाओगे? हाँ क्या? नहीं यही दूसरी जगह देखने की सोच रहे थे, बच्चे भी बड़े हो गए। क्या खिलाया भाई, भांग खिला दिया है क्या? अलग होने की बात कर रहे हो क्या? हाँ ऐसा सोच रहे थे भाई। बोलो ना सोच क्या रहे थे, इतने साल तो हो गए, थोड़ा अपनी जगह हो तो अच्छा है ना। क्या हो गया ऋषि, क्या बात हो गई भैया? कोई बात हो गई, कोई बुरा लगा है तो बता दो। कोई भी बात नहीं हुई भाभी, ऐसे ही थोड़ी होता है ऋषि। रिश्ता होता है, परिवार होता है, हम सब यहाँ बैठे हुए हैं। रिश्ता होता है कि नहीं होता है, मानते हो कि नहीं? छोड़ दिया सब कुछ, रिश्ता तो फिर भी रहेगा ना भाई। अरे क्या रिश्ता रहेगा,
भाई एक घर एक चूल्हा होना कुछ मायने रखता है ऋषि बाबू। भाई क्या ऐसी चूल्हे की अहमियत हो गई? आप तो बात करते हैं अपने अनुभव की, अब अपना अनुभव देखें कि चूल्हा ही बड़ी चीज हो गई है। मतलब ऐसा क्या हो गया? अब तक तो सब ठीक ही चल रहा था, अब ऐसा क्या ऋषि बाबू ने अनुभव कर लिया कि घर छोड़ने की नौबत आ गई? बचकानी हरकत, घर मिलना इतना आसान नहीं है। कभी किया ये सब? बिना सोचे समझे बैग लेके ऋषि बाबू चले गए। आज तक तो कभी किया नहीं। घर मिलना कितना मुश्किल होता है मालूम है? मूंछ वाले सीए साहब हैं तो कोई भी घर दे देगा, कोई घर नहीं देगा। ढूंढ के दिखाओ। घर पक्का कर लिया? पक्का कर लिया, इधर ही है फतेहपुरी के पास। अरे तो कब जाओगे भैया तुम? इतवार को। इसी? छोड़ो ना छोड़ो ना, इसी इतवार उसी इतवार क्या फर्क पड़ता है। चलो भाई अब सोच ही लिया है तो। पूछ नहीं रहे थे, बता रहे थे। मेहरबानी की जो बता दिया, पूछने के तो लायक ही नहीं रहे हम लोग। तू क्या कर रहा है यहाँ? घूर क्यों रहा है मुझे? गीता चल रही कोई? इसमें इतना नाराज होने की क्या? नाराज क्या, बेकार की बात मत करो, मुझे अकेला रहने दो। घर ढूंढ लिया है, कोई बात कर सकता है इनसे? आप पूछ रहे हो ना क्या दिक्कत है? यही दिक्कत है, कोई बात ही नहीं कर सकता, कुछ बोल ही नहीं सकते। चार दिन तक मुंह फुला के बैठ जाएंगे। लता आ रही हूं। पूछ लेना उनसे, इतना ही बुरा हो गया हूं मैं? हम सब तो हम ही निकल जाए। ठेले वाले आ गए। आ गए? हाँ। चलो बुलाओ। आ ही जाएंगे ना, कह रही हूँ थोड़ी जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। अंदर आ जाना। मम्मी से ये भैया वहाँ से खाली पीछे हो जा। अरे यार सब सामान ले। अरे यार आराम से रख, क्या कर रहा है यार? ओए अशोक इधर आ। काम क्यों नहीं करता तुम? काम क्यों नहीं करता? सारा काम मैं करूँ? क्या तो रहा था अगले तुम। अशोक को बोल रहा उसके मोजे पड़े हैं फ्रिज के पीछे, ले लेगा, दे दे जाके। बोलो मैं नीचे जा रहा हूँ। नहीं तो बाद में बोलेंगे रख लिया। आने दो। आराम से, आराम से करो भैया, संभाल के साथ साथ छोड़ो। अच्छा भाई आते। अरे जा रहे हैं ये लोग, तुम भी चली जाओ ना। अरे क्या 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 नाचूं? जा रहे हैं। अच्छा आते ठीक है, चलो बस हो गया। चाचा बाय बाय। चलो सब सामान आ गया है इधर ही। अरे क्या कर रहे हो? इधर 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 हो गया। आराम से लग जाएगा ना, और कुछ नहीं। अरे निकालो तो सही सामान। क्या निकालना है? क्या क्या है इसमें? कहाँ रखा है? कौन से थैले में? चल काम कर। बाबूजी कोई कोई कहता है कि एक ज्ञान जो है वो पैदाइशी होता है, मतलब अनुभव से भी परे। सही बात। कैसे? जैसे कि जैसे ये अपना कछुआ पैदा होता है, ठीक है, अंडे से निकला रेत में और सीधा जो है समुंदर की तरफ दौड़ता है। अच्छा? दौड़ता तो है। उसको कैसे पता चला कि वो समुंदर में ही सुरक्षित होगा? बताओ ये क्या चक्कर क्या ये? हाँ बाबूजी। भाई जैसे जिसकी मर्जी। जिसका जवाब ना हो कह देती जैसी जिसकी मर्जी। बाबूजी चल दिए। कहाँ जा रहे बाबूजी? यार बाबूजी ना थोड़ा परेशान है। परेशान तो होंगे, भाई छोड़ के चला गया उनका। बताओ फ्राइडे को बता रहा है, मंडे को निकल रहा हूँ। ये गलत बात है। चुपचाप घर ले लिया। बताओ बताओ सो जाओ ना। कल कर लेना मातम।
हाँ जी हाँ अशोक पापा को कौन फोन है? अरे ऋषि बात करो। हेलो हाँ जी वो अब यहाँ नहीं रहते हैं, आप उनका नया नंबर ले लीजिए। हाँ जी एक मिनट देखती हूँ। हाँ लिखिए। हाँ ये है 4156276669। हाँ जी ऋषि नहीं आए। अरे भाभी उनका तो ऑफिस में ही बहुत देर तक काम चल रहा है आजकल। जब से तुम लोग गए एक बार भी नहीं आए, आधी बीमारी तो वही है इनकी। ठीक है ना सब? आएंगे ना। बीपी बहुत हाई है इनका है? बहुत बहुत हाई है। ये शुरू से है क्या? अरे हट ना भैया इधर आ। खैर कोई बात नहीं, एक मिनट मैं एक गोली लिख के देता हूँ आपको। तेज करना हवा लाइए मुझे दीजिए मैं लिखता हूँ। दो गोली नाश्ते के बाद लिख ले, लिख ले सब कागज में। दो खाने के बाद। अच्छा और ये रात को हम क्यों माने सोने से पहले? तो ये पानी से लेने के दूध से? नहीं नहीं पानी से लें दूध से लें इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये डॉक्टर साहब बात जो कह रहे हैं उसे सच कैसे मान लें? ये बात आपके अनुभव में तो है ही नहीं। देखो बाजू नहीं अनुभव बाद में पहले दवाई खाना। अरे शर्मा जी कैसे? अरे ब्लड प्रेशर है इनको, दवा नहीं लेंगे तो हार्ट अटैक हो सकता है। बताओ हम कैसे माने डॉक्टर साहब? डॉक्टर हूँ मैं। अरे होंगे डॉक्टर, हमारे बाबूजी तो नहीं मानते। क्यों बाबूजी? अरे तुम्हें मार है खींच के। डॉक्टर साहब मैंने एक फैसला किया है ना। मतलब क्या फैसला कर लिया तुमने? है ऐसे क्या बिस्तर पकड़ लोगे? अरे कुछ भी दिमाग में ऊट पटांग सनक सवार हो गई है इनके। डॉक्टर साहब मैं बताती हूँ इन्हें क्या बीमारी हो गई है। इन्हें बोलने की बीमारी हो गई है। ये निठल्ले आ जाते हैं, सुबह से शाम तक यहाँ बैठे रहते हैं, ये बड़ 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 किए रहते हैं। उसकी कोई दवाई हो ना तो वो इन्हें दे दो और ये गोली हम खा लेते हैं। हम खा लेंगे। दिमाग खराब करके रख दिया। 250 रुपए हमारे। 250? अरे कितने हैं तुम्हारे पास? लाओ दो। ये हमारे पास देखो दवाई लेनी है। हाँ हाँ लेंगे, थोड़ा आराम कर ले भैया। है नींबू पानी पी लेना बाबूजी। खराब आ गई। सब ठीक है? वो आई मिलने? वो आए एक बार भी? अरे नया घर लिया था, उसकी खुशी उन्हें नहीं होनी चाहिए? खुशी तो दूर बात तक नहीं करी उन्होंने। एक बार गले लगा लेते तो उनका कुछ घिस जाता था क्या? पता है ना तबीयत खराब है उनकी। अच्छा पता है तबीयत खराब। चला जाऊंगा। चाय ले लो। पकड़ो ये बिस्किट खत्म हो गए हैं, ले आना बाजार से। नींद ठीक से आई? नाश्ते में क्या बनाऊं? क्या हो गया है? तभी तो ठीक है तुम्हारी, तो फिर बोल क्यों नहीं रहे हो? क्या हुआ? हाँ हाँ आज से बोलोगे ही नहीं? अरे एक तो खुद पागल हो, मुझे भी पागल कर दोगे। अरे छोड़ो हमें, पता नहीं क्या। अरे रीका देख तो तेरे बाबूजी को क्या हो गया। बाबूजी आज पर बोलोगे नहीं? जिंदगी भर कभी नहीं बोलोगे। बोलोगे नहीं तो ये संसार वंसार सबसे अलग अलग नहीं हो जाओगे? हाँ समझाओ भैया इन्हें। सही बात है बाबूजी। ऐसे कैसे? चुप रह के अंदर। अच्छा चुप रहकर और भी ज्यादा ज्ञान मिलेगा। वाह बाबूजी वाह। मिलेगा ज्ञान ही में। अबे वो थॉमस एडिसन वो सुन सकते हैं? बह रहे हैं क्या वो? तू तो मुझे बोल। नहीं अच्छा तू भी चुप रहेगा? बोलेगा ही नहीं। वाह बेटा तू निकला बाबूजी का सच्चा भक्त। सिर पे सवार दंडवत कर ले बाबूजी के पैर में, लेट जाएं जाके। अरे नमस्ते मास्टर जी। नमस्ते। आओ जी मास्टर जी। अशोक को पढ़ाते हैं मास्टर जी। जी अमित मेरा भांजा है जी आपके स्कूल में। हां चीकू भी तो इनके स्कूल में पढ़ता है। वो अमित मेरा भांजा। वो बातें मैंने छोड़ दी। खाएंगे तरबूज फरबूज कुछ? नहीं नहीं भैया। अरे रुकना भैया जरा आराम से रखने देना सब, बड़ा भारी है। अरे भाभी मैं हूँ ना। बैठो बैठो।
ऋषि कैसी हो भाभी? अरे मैं तो ठीक हूँ भैया, तुम तो बिल्कुल गायब हो गए हैं, कैसे हो? आ जाए करो भैया, बड़ा याद करते हैं ये। मैं आऊंगा भाभी, जैसे आज आ गए ना वैसे ही। ये याद कर रहे थे तुम्हें? आऊंगा, बड़ा याद करते हैं तुमको, आ जाना ना घर। हाँ आऊंगा। अच्छा भाभी। अच्छा ऐसे थोड़ी होता है, जो कहा उसे करना भी पड़ता है। मैं आपसे प्यार करता हूँ कह देने से कुछ साबित नहीं होता, प्यार करना भी तो पड़ता है। प्यार में तो शिरीन मटका लेके चली गई थी, उसे थोड़ा ही पता था मटका कच्चा है। फूट गया मटका पानी में, पानी हो गया, डूब गई बेचारी शिरीन। दोबारा जन्म होगा शिरीन का, फिर वो लैला बनी, हीर बनी, जूलियट बनी। तीन दिन ये चल रहा है इसका, बनती रही मिटती रही, प्यार नहीं मिला उसको। डॉक्टर वगैरह को दिखाया कोई? इसका ये मतलब खोट है, कोई दवाई वगैरह? उल्लू रात भर बोलता है, लाल नीली पे शीशा दिखा, नजर लगी है, उसे दमे की बीमारी है। वो तो बेचारा सांस भी नहीं ले पाता। पता है उल्लू कौन है? अपना जगत दूध वाला। कहता है मिलावट नहीं करता। मिलावट तो हर चीज में है। आसमान से सूरज उगता है तो उसके लाल रंग में पीले रंग की मिलावट है, नींद में सपनों की मिलावट है। अब आदमी है तो शरीर है, शरीर है तो इच्छाएं हैं, इच्छाएं तो सपने हैं, सपने तो जरूरी है कि नहीं? ओबामा आ रहा है, ओबामा इतना शोर मचा रखा है। ओबामा को तो इंग्लिश बोलनी आती नहीं, कैसे बोलेगा? पहले हिंदी सीखा तभी तो इंग्लिश सीखा। सीढ़ी एक एक करके तो चढ़ता आदमी, बहुत छलांग मारेगा तो गिर जाएगा, फिर जाना कहाँ है? जाना तो कहीं भी नहीं। जब जाना ही नहीं तो क्यों भाग रहे हो? ठहर जाओ ना थोड़ी देर। देखिए जो है वो जा रहा है, आप कहीं नहीं जा रहे। जैसे कि ट्रेन निकली है स्टेशन से, ट्रेन में आप बाहर में, आप आगे चले गए, लेकिन आपको लग रहा है कि मैं पीछे रह गया। मैं तो वहीं खड़ा था, गोलगप्पे खा रहा था, फिर अगले दिन पेट खराब हो गया था मेरा, लेकिन किसी को बताया नहीं मैंने, नहीं तो कलेश होता। क्यों करना कलेश? शरीन तो डूब गई। अरे चुप यार। मटका उसका फूट गया, पानी। बाबूजी ये मरने के बाद आत्मा का होता क्या है? मर गए, गला काट के कट के मर जाएंगे। कुछ नहीं पता बाबूजी को, कुछ नहीं पता मरने के बाद क्या होता है। ठीक बात है भैया, किसी भूत पिशाच से ही पूछ लो। नहीं पर एक बात बताओ बाबूजी, ये जो नरक और स्वर्ग का चक्कर होता है, ये क्या चक्कर है? कुछ तो होता ही होगा भाई। होता तो होता ही ना बाबूजी। क्या सब कुछ यही है? आके खोल के देख लो। अरे वाह वाह भाई वाह। ऋषि राम राम पंडित जी। राम राम, क्या हाल है? ठीक है। ये देखा तुमने? समझाओ उसको, बात करो उससे, शर्म आती है हमें, सारे मोहल्ले की बदनामी होती है ना। हाँ बात करो उससे, जरूर करना, ठीक है? छोड़ो हमें तो, हमें तो ये, अरे क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो, नहीं छोड़ दो, फेंक दो इसको। क्या कर रहे हो ये सब? पता है लोग क्या कह रहे तुमको? पागल कह रहे सारे लोग। क्या देखूं तुम्हें? हाँ मुझे तो पता है कि तुम पागल नहीं हो, पर दुनिया को जाकर कैसे बताऊं कि तुम पागल नहीं हो? अरे खुद भी पागल हो जाओगे, मुझे भी पागल कर दोगे। क्या बोलूं लोगों से जाकर, जिसका बना रहा वही छोड़ छोड़ के जा रहा है। छोड़ो हमें, लोग तुमसे तो कुछ नहीं कहते है ना, सब मुझे से पूछते हैं। क्या बोलूं उनको, तू पागल नहीं हो? कहते हैं बाल की खाल निकाल रहे, निकालो आप, कोई भी निकाल के दिखाए। भाभी बाल की खाल कहाँ होती है? होती तो काटते वक्त दर्द नहीं होता, लेकिन दर्द तो दिल में भी होता है। अरे बेटा लेकिन दिल में जो होता है वो दिखता थोड़ा ही किसी को, बस होता है। टमाटर लाए तू? कपड़े धोता है। ठीक है लौकी बनेगी? उत्तर ने आशीर्वाद दिया था कपड़े से नहीं बनाऊंगी। अरे क्या बात कर रही हो जीजी, आप बैठो आराम से। खानी है तो हाथी की, आम खाना, खरबूजा खाना, तरबूज खाना, पापा की डांट मत खाना। आपकी दाढ़ी सफेद हो रही है, सफेद जैसे चमेली का फूल, सफेदी की चमकार लगातार बार बार। अरे अनिल बंद हो गया। मम्मी देखो इसको,
बुआ ठीक हो गया? ठीक हो गया। अरे अरे जीजी, ये तो भगवान ने बहुत बड़ी कृपा कर दी हम लोगों पे है। मामा जी ठंडा पानी मिलेगा? अरे पानी, अरे देखो चीची पानी 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 दो से। बस बच्चे ठीक होंगे भाभी, आप रो। अरे रो क्यों रही हो तुम? बस बस बस, अब आप रो नहीं। भगवान खुश हो भाभी, देखो भगवान ने तो कितनी बड़ी कृपा करी है, हमारा बच्चा ठीक हो गया। चिता चा श्याम मुरादा चाड़ी। क्या हुआ, चाय नहीं मिली? लाऊं क्या? आपने सोच लिया है? मैं इस दुनिया को, इस घर को, क्या हुआ, रो क्यों रहे हो? कैसे सो कैसो? शादी की बात कर, मेरी शादी। सोच लिया ना अच्छे से, खुशी खुशी भेज रहे हैं कि फिर मैं जा रही हूँ आज को, बाद में पछताना मत। क्या हो गया? अरे सुबह सुबह ये टू टू मत सुना करो, रो रहे हैं बैठ के। कौन है यार? जीजा ना देर लगाता है यार। तू यहाँ पे? जी में बहुत गर्मी है आज यार, ये पूरा काजल ही उतर। तू क्या कर रही है यार? मैं तेरी तरफ अट्टू नहीं हूँ रीटा। हाँ अच्छा सुन सुन, किसी ने तुझे देखा तो नहीं ना यहाँ पे आते हुए? क्यों, किसी के बाप का डर है क्या? नहीं देख रीटा, मजाक मत कर। नहीं, नहीं। सच्ची में देख। चल मैं देख, थोड़ा उधर बैठ। नहीं सुनना, अगर इस बार मुझे। चादर कितनी गंदी है। देख रीटा तू क्या कर रही है, तू लेट रही है यार। पेंटिंग तूने अपने आप करी है। रीटा निकल यहाँ से, निकलना क्या यार। है तू बोलता रहता है ना, घर चल आ जा भाग चल। हाय तो कर दे रीटा, तू बोल रही है हाय। रूह अफ़ज़ा तो पिला दे रीटा। देख बार बार तेरी वजह से बहुत मैंने पिटाई खाई है। घोचू बाऊजी ने हाँ कर दी। बाऊजी ने हाँ कर दी किसकी? तू सोच ले हाँ, अपना टाइम ले लेना, जब कुछ समझ में आ जाए तो बता देना। बाऊजी ने हाँ कर दी शादी के लिए? ए, ए, तूने क्या सवाल रखा मुझे? मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। मेरा वो मतलब नहीं था, सुनना। क्या मतलब था तेरा? क्या मतलब था तेरा? जाओ भाई। हाँ अरे पकड़ो भाई। अंकल इधर आओ ना। बीस में पांच बीस पैसे खाएगा तू भाई के? पैसा नजर भी नहीं आता।
सत्ते पे ₹500 इसके। चलो भाई पीछे रहो, बाहर रहो बाहर। गोपी भाई मिलने हैं आपसे। क्या भाई क्या है सब, अबे अंदर क्यों गुजार हो? गोपी भाई राम राम। वो कैलाश है ना इंदारे कुएं वाला, आपके साथ था रामजस नंबर 3 में जी, वो मेरे चाचा का बेटा है जी। ये नहीं ये, वो तो कैलाश ने राम राम भिजवाया जी आपको, ये तो बात करने आए। अरे बोलो भाई बोलो। बाबूजी तो बोलेंगे नहीं, तुम बोलो ना चौधरी साहब। बाबूजी आप बोलो तो मैं बता दूं। अबे गूंगा है क्या? गूंगे नहीं है, बाबूजी हैं। वो मौन व्रत है ना भाई जी। चौधरी साहब बोल देना। जो चुप रहूं तो दिल के दाग जलते हैं, है? जो बोल दूं तो बुझते चिराग जलते हैं। अबे क्या है ये, कौन है ये? है क्या तमाशा है ये? शमी के बाबूजी तो धमकाने आए क्या? नहीं बेटा, तुम्हें कोई क्यों धमकाने आएगा। मैं वो तुमने 38,000 दिए थे ना शमी को, 6,000 वापस करने आया और बाकी के भी जल्दी। और शुक्रिया बोलने आया हूँ कि तुमने जो बड़े भाई समझ के उसको। हाँ ठीक है ठीक है, खा मखा तुम लोग इनसे डर। अबे उधर देख के क्या बात कर रहा हो, इधर खुल के बात करो। बेटा मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि बाहर तुम्हारी छवि बड़ी खराब है, लेकिन तुम तो एकदम उल्टे हो, मतलब सीधे, बहुत ही खूबसूरत। चलो भाई देखो इसको कहते हैं संस्कार। हाँ बाहर लोगों ने मतलब शम्मी की पिटाई हुई तो लोगों ने कहा कोप ही नहीं मारा होगा। हाँ भाई ये कोई बात हुई? आप तो बेटा तुम बिल्कुल ही अलग हो, बहुत ही खूबसूरत, सभ्य, सुशील, अच्छे लड़के हो, बढ़िया। शम्मी भी अच्छा लड़का है। हाँ तुम्हारी दया है, बस बनाए रखना। ये जो आपका कारोबार चल रहा है लेट के ऐसे वैसे, वो पूछता नहीं है क्या? नहीं हो गए कुछ कम से कम 10-12 साल। हैदरगुली में भी था ना गोभी भाई, एक पीछे की तरफ। आप खेलते हैं तीनपत्ती चाय? अरे नहीं हम तो बस कहाँ, खाली गधा मजूरी, न काम किया न इश्क। अरे इसमें क्या है, बच्चा भी सीख सकता है। मैं तो ना समझू, मैं नहीं सीखूंगा। ये क्या है? ये कलर है बाबूजी, कलर। अच्छा तीनों एक से कलर। हाँ। ये कौन सा पत्ता है? ये कुछ नहीं, जोकर है। इतने दिनों से गणित पढ़ा रहा हूँ, सच बता रहा हूँ, अंकों का ऐसा इस्तेमाल, अरे जादू है जादू। सही में यार, बाबूजी समझाओ ना जरा। अब समझ में आए तुम्हें गणित? इससे पहले तुम्हें गणित आती कहाँ थी? अच्छा ये ट्रेल आनी तो मतलब उसके चांसेस तो बहुत कम होते होंगे, तभी तो बड़े पत्ते। अरे तमन्ना हो तो आ सकता है मास्टर जी। अरे है तो जुआ यार, तुम सब जुआरी हो। अरे जुआ जुआ कर रहे हो यार तुम, उसका सौंदर्य तो देखो, लाल पान के 3 पत्ते 52 में से निकल कर आते हैं, मजा आ जाता है। बाबूजी ने सबको धो दिया है कि नहीं? बाबूजी इतना मॉडल मारा है, ब्लाइंड तो खेल लो। डालो ना बाबूजी 100 रुपए। भैया मैं बिना देखी चीजों में विश्वास ही नहीं करता। बाबूजी को समझने की बात कर रहे हो, कुछ नहीं समझे हो, ढेला नहीं समझे हो, बता रहा हूँ मैं। ये समझे बाबूजी को, खुद की लुगाई भाग गई घर छोड़। अबे तो तू क्या है, तू अपनी बात कर, तेरे माता पे लिखा है क्या कि तू भाग नंबर 1 है यहाँ पर? बड़े देशभक्त बाबूजी के। अब तो हंसी भी नहीं आती, जमाना हंस रहा है। बाबूजी पूरे मूड में, लोग कहते हैं मेरा दिलो जहाँ कहीं और बस रहा है। अरे मैं जानता हूँ उनको, बचपन से जानता हूँ उनको, उन्होंने अपनी बहन दिया मुझे। तो बहन दिया, रिश्तेदारी है, कब से जानता हूँ मैं उनको। अरे शिब्बू बाबू मैंने तो अपनी पूरी जिंदगी दी है उनके लिए। मैं तो चुप हो गया था उनके चक्कर में। बाबूजी ने सिखाया हमें, ये जुआ हुआ नहीं है कोई, संभावनाओं का खेल है। संभावनाओं का, संभावनाओं का खेल है ना, भावनाओं का खेल है, ये जुए का खेल है बेटा। हम भी जवाब देते हैं। शिबू बाबू क्या बात कर रहे हैं, और पटा की बात क्यों कर रहे हैं? अरे पागल हो गए क्या? अरे चलो हटो ना यार, शफल कर यार, पहले शफल कर। गोपी भाई क्या बात? गोपी भाई बुलाया आपने? बाबूजी मैं चाहता हूँ आप कंपनी की तरफ से खेलो। कहाँ ये कंपनी? अरे भाई बड़ा अनाड़ी हूँ मैं, पूछो मैं सिगरेट तक तो पीता नहीं हूँ, तो कहाँ से पड़े? 20,000 रुपये महीने की तनख्वाह। 20,000? जीतने पे 25% आपका। अरे नहीं भैया, कहाँ मुझे इसमें घसीटना है, मतलब बैठ बैठ। हारने पे नुकसान मेरा? एकदम बेटा तुम हुकुम के एक के निकले,
अजी जहाँ दो पैसा कमाने का साधन मिल जाए वही डगर पकड़ लेते हैं। बिजनेस बिजनेस बोलो। मंजूर है? मंजूर नहीं, आदेश। क्या बात, कैसे दिया बाचू के भाई? 150 रुपए किलो। हाँ कैसे दिया? 150 रुपए किलो। अच्छा एक्सक्यूज मी, जामा मस्जिद कहाँ पड़ेगा? आगे जाके लेफ्ट टर्न, सीधे जाते हैं। अभी गर्म का मौका दोगे तो गर्म मनाते रहेंगे। सीधे निकलूं? एक किलो दे दो। 9 से 11 गर्म भेड़ भी। हाँ सुबह सुबह खा लिया करो मालिक, शाम को ठंडी। ये लो क्या करें बताओ, सारा दिन तो गर्म। याद सारी बारी बारी छने रे छने, याद सारी बारी बारी छने रे छने, हारी जीती शर्तों से, मौसमों की परतों से, रास्तों से फासलों से बने रे बने, याद सारी बारी बारी छने रे छने, याद सारी बारी बारी छने रे छने। गलियां याद की चलते चलते सारी उम्र कट जावे, यार पुराने गिनते गिनते किसे भूलना, आँख के फिर पानियों में जैसे काई सी पट जावे, याद मेरी उम्मीदों सी मने रे मने, याद सारी बारी बारी छने रे छने, याद सारी बारी बारी छने रे छने। चार दिन क्या हो रहा है? इंतजार हो रहा है उनका, तो जाके बोल ना जा। अबे मैं कहां से बोलूं यार, इमरती ऑफ आवर मुरादाबादी, सो गुड सो टेस्टी। नहीं ये भी बहुत अच्छी जगह की है, बताते हैं औरंगजेब के खानसा में थे, है ना शिव बाबू? हां चाय करे ली चाय आ गई लीजिए। ओ झूठे बेटा झूठे। नहीं नहीं आप बेटा, मौसम भी अब बड़ा सही है आजकल, मकान ढूंढने में कोई दिक्कत तो नहीं हो भैया? नॉट एट ऑल नॉट एट ऑल, थैंक यू थैंक यू। अरे इसलिए तो यहां की गली गली चप्पा चप्पा देखा हुआ है। बेटा चाय कैसी बनी है? बहुत अच्छी, अब तो बनानी आ गई होगी आपको चाय। शादी के बाद रखेंगे कहां मेरी बिटिया को, मुरादाबाद या दिल्ली? जहाँ लड़का रहेगा वहाँ लड़की रहेगी। She will stay with Anju and Delhi. Good good, वहीं रहेगी। Our Pandit ji has decided 28th of next month is very good, very wonderful. पहला नवरात्र जी। भाई सारे अगले महीने की कह रहे हैं? नहीं कोई समस्या ही नहीं है तारीख की तो। अगले महीने की नहीं है भाई। अब तो नौकरी भी लगा दी उन्होंने इसकी सेल टैक्स में। सेल टैक्स में? ऊपरी कमाई होती थोड़ी बहुत। नहीं ना मतलब। और बहन जी क्या बोल रही है? हमने बात कर ली है, अब वो कह रहे थे कि जन्मपत्री जैसी तैयार होगी आपके घर भिजवा देंगे। लड़की आपकी थी सुशील है, जन्मपत्री की क्या जरूरत है? यस नो नीड ऑफ जन्मपत्री। वेरी नाइस। 5:30 अरे लेकिन अभी तो आप लोग आए हैं, थोड़ी बातचीत करके फिर चले जाना, आ जाएंगे। अरे बात क्या करनी है, शिवू बाबू है या बड़े है, सब ठीक ठाक। अरे कैसी बात कर रहे हैं, अब तो आप हमारे संबंधी है। रखो बेटा। अरे खुश हो खुश हो। और अभी तो हम बैठ के बात बात कर लेते हैं और पक्का कर लेते हैं। काम तो काम ही होता है ना। मैं आऊंगा मुरादाबाद आपकी वो इमरती खाने। You are most welcome. हम चले गए। लो मास्टर जी चलो। अरे बाउची मगर। अरे बेटा समझा करो ना। इनको ना काम थोड़ा आ गया है। राजू भैया सेक्रेटरी बना रखा उनको। लीजिए ना बहन जी आप लीजिए। मीटिंग वीटिंग चलती रहती है उनकी, शादी वादी एग्जाम वगैरह सब लोग। अरे चाय ठंडी होगी तो दूसरी बनवा लूं मैं। मैं बना दूं भैया, दूसरी चाय बनाओ। चलो बेटा आप आए, बड़ा अच्छा लगा बहन जी, हमें तो सच में बता रही बड़ा अच्छा लगा।
चहलाकों के गुंजन में सुंदर स्वप्न सजाए, अपने बाबुल का घर द्वार छोड़ अपना संसार बसाने जा रही हमारी लाडली। ज्यादा है शब्द, शुभ होता है बाबूजी। शुभ नहीं, ज्यादा सीधे खड़े रहा करो ना तुम। बाबूजी हटा दे, तू जिम जाएगा। दादा इधर आना जरा, जिम जाएगा तू सही हो जाएगा। जीवन ये बॉर्डर हटा दो, हल्का लगेगा। हल्का कर दे कार्ड को, बहुत बहुत अच्छा लगेगा। दादा आना जरा, बॉर्डर भी हटवा दो। बंद करो ये सिगरेट पीना, मुंह महकता है। बाबूजी कार्ड, ये बहुत सही है, बहुत ही सही है ये। मैं तो कह रहा हूँ फूल भी निकाली दो। जीवन इसको सफेद कर दे बेटा। बाबूजी पर सादा सफेद पर ही अच्छा लगेगा, साफ सुथरा लगेगा, मतलब सोबर। शादी का क्या बोलते हो तुम? शक्ल से खुश नहीं लग रहे हो तुम? दादा आना जरा। रीटा और अजय की शादी है दिल्ली। हाँ भाई, अरे देख तो ले। हाँ हाँ अच्छा, फाइनल हो गया ये। धन्य आपकी सादगी बाबूजी। अरे धन्य, बस लिफाफा दे दे बस। बड़ा प्यारा रंग है ये वाली, देख ये वाली कैसी है। अरे शादी के कार्ड बन के आ गए भाभी। हाँ भाई गरम हो रहा है, ऋषि के शादी का है। हाँ गरम है बिल्कुल। कहाँ से ले आए? चले गए थे, आपको पता लगा? खान मार्केट से ले गया, बड़ा महंगा है ये। जामा मस्जिद से ले आया 4000 से। ये इंसान जो है अपने अनुभव से ही सीखता है या दूसरे के अनुभव से भी सीखता है? यहाँ एक मिनट, लेक्चर शुरू हो गया। इधर आ जाओ, जाओ भाई बुला रहे हैं। हाँ आंख बंद करो, हाथ जोड़ो, आंख बंद करो, भगवान को याद करो। कौन से भगवान को? भाई पागल हो क्या कुछ? अरे शर्मा जी क्या पता चला, दुनिया में कुछ चीजें होती हैं जो दिखाई नहीं देती, जैसे बिजली, हवा, और ये सीख लेने के लिए हमें अपने अनुभव की जरूरत नहीं है। शर्मा जी के अनुभव से सबने सीख लिया। तो बंदा मार दो तुम अनुभव के चक्कर में। अपने अब लगा ले अपनी अपनी। ऐसा होता है शादी का कार्ड क्या? ना कोई बॉर्डर ना कुछ, ये तो बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा भाभी। इनका दिमाग तो तुम जानती हो ना, जो मन में आता है वो करते हैं, हम तो कुछ बोलते ही नहीं। बेकार ये देख। अच्छा ऋषि कहाँ आजकल? अरे वो तो ऑफिस के ही काम में। ये क्या है? घर ही के आसपड़ोस के लोग आके हाथ बटा रहे हैं और वो एक बार भी नहीं आया। ये कोई तरीका है क्या? कह देना उसको, स्वरूप दीदी बहुत नाराज हो रही थी, लड़की का चाचा लगता। कुछ बातें झटका खाने के बाद ही समझ में आती है उन लोगों को। क्या है? क्या है ये? अरे हमारी बच्ची की शादी का मजाक कर रहे हैं क्या? कार्ड है कि इश्तिहार है? कार्ड ऐसे छपता है क्या बाबूजी? नहीं बेटा, वो जो कचहरी का नोटिस आता है ना, वो इससे सुंदर लगता है। पुलिस का वारंट ऐसे नहीं लगता है बाबूजी। देखो मैंने जो सोचा उसके, लेकिन क्या सोचा आपने? क्या लगा आपको? पैसे नहीं है तो नहीं ना छपाते आप कार्ड, फोन पे ही बता देते सबको कि घर में शादी है, नहीं करवाना चाह रहे हैं लेकिन बुलाना पड़ता है, फुर्सत मिले तो आ जाना, नहीं मिले तो मत आइएगा, वही बेहतर रहेगा। लीटा बेटा क्या करा देंगे? आप मत फंसेगा इसमें फूफा जी। बड़ों से ऐसे वो साड़ी लाएंगे ना, वो भी सफेद ही लाइएगा, ठीक है? वो भी सूती, क्योंकि इस घर में सब अलग ही होता है आजकल। मैंने क्या कहा था, फुल गोटे बनवा लो, थोड़े से क्या फर्क पड़ता है? अरे तो सही है, अरे शहनाई बजती है फोटो में, साइड में लगा कर। चार चार टॉप के डिजाइन दिखाए थे इनको, पसंद किया सफेद, एकदम बढ़िया कार्ड। सादगी कैसे शेर की तरह दहाड़ रही थी। गुस्सा हो गई, दिखाइए जरा। शादी की व्यथा होगी कुछ? अवश्य पधारे, ये लो, बहुत बढ़िया, अच्छा लग रहा है बाबू जी, अच्छा लग रहा है। आपने कभी शेर देखा है? शेर देखा है मतलब शेर चूके? नहीं भाई, बच्चों से फुर्सती नहीं मिली, शेर कहाँ से देखे? तब फिर आप कैसे कह सकते हैं कि शेर धारता है? मास्टर जी और क्या करता है, शेर बैकी बैकी बातें कर रहे हो, शेर तो धारता ही है ना। क्या हो गया? नहीं नहीं एक मिनट, शेर शेर धारता नहीं है? नहीं नहीं आपने देखा? तुम्हारा मतलब शेर धारता नहीं है? आपने देखा है? देखना क्या भाई, अरे तो देखने से क्या होता है, शेर धारता है? सब सुनी सुनाई बातें हैं ये, अच्छा कहते हैं। अरे मां सब क्यों बाल की खाल निकाल रहे हैं आप? क्या करता है फिर? देखो हो सकता है शेर बिल्ली की तरह म्याऊ करता हो, तुम्हारे गाँव में करता होगा, हो सकता है कि घोड़े की तरह ही नी 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 कुछ भी आवाज निकाल सकता है। मास्टर जी आप एकदम ठीक कह रहे हैं, मैंने शेर को दहाड़ते हुए नहीं सुना है, कभी नहीं। वही तो ना, अरे टीवी में दिखता है बाबूजी, शेर दहाड़ता ही है, क्या हो गया, सुना नहीं तो मतलब। चलो शेर देख के आते, शेर देख के आते। अबे क्या बाबला बन रही है, क्या चलो भाई, चलो बाबू जी, चलो भाई, चलो 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 चौधरी साहब, चलो भाई, चलो चलो। क्या रहा तू? आओ शर्मा जी आ जाओ, अरे इनको देखो, चप्पल कौन पहन गया? समझाओ इन्हें, ये शादी के घर में ना चप्पल पहन के नहीं आना। अरे सुनो, अरे भैया क्या हो गया, कहाँ चल गए सारे के सारे? अरे शेर देखने जा रहे हैं, भौंकता है कि दहाड़ता है। अरे काहे का भैया, बात तो बता के जाओ, कहाँ जा रहे हो? चाय चढ़ाइए भैया हमने। अरे क्या हो गया शिबू बाबू, कहाँ? इस घर को पता नहीं किसकी नजर लग गई है,
अरे भैया हम बहुत दुखी हो गए, जब देखो कोई ना कोई नया ड्रामा शुरू हो जाता। शादी का घर है और ये शेर देखने चल दिए, कल को जयमाल पड़ेगी और ये हाथी देखने चल देंगे। बाबूजी 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 सुनो ना बउआ, चल दिखा, क्यों परेशान कर रहा बाबूजी को, क्या कर रहा है, शेर देखने कुत्ता हो गया क्या ये, शेर पकड़ लेगा, मास्टर ऐसे होते हैं क्या, कहता लगा यार, अरे क्या इतना डरते हो तुम, पकड़ लिया मास्टर जी, तुम्हें जरूरी था पंगा लेना। बाबूजी चलो ना, टाइम हो गया, गोभी भाई वेट कर रहे होंगे, बोलेगा ये तो सो जाएगा शेर थोड़ी देर में मुझे लग रहा है। अरे बेटा बोल दो ना, बहुत दूर से आए हैं, एक बार बोल दो बा। अबे बोल दे किशोरी लाल, नाम लो इसका तब बोलेगा ये। अबे दिमाग खराब कर रखा है, अगला अगर शेर गूंगा हुआ तो क्या करेंगे फिर, क्या बाबूजी बा। क्या है, बोला क्या, अरे पागल बोलेगा तो सुनाई नहीं देगा, उधर इसके लिए बोल दो ना ताड़ा, बाबूजी ताड़ा ताड़ता है भाई वाकई में। बाबूजी पहले पता होता ना तो एक एक्स्ट्रा रख ला था, क्या पजामा, अरे किसको पता होता है ये सब, और बाकी सब तो ठीक है ना, हाँ चाल देखो बाबूजी ठीक ही है भाई, चलो सूख जाएगा जल्दी। अरे क्यों नहीं जाओगे हैं, अरे सबके न्योता देने जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो, तो उनके क्यों नहीं जाओगे, हाँ 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 भाई को न्योता देने जाएंगे, प्रधानमंत्री हो गए आप, एकाएक बड़े बिजी हो गए, व्यस्त हो गए, जो मन में आया करते, जो भी मन में आया करते, मालूम है आजकल जुआ खेलना शुरू कर दिया और खुद अकेले नहीं 15 लोगों के साथ सबको सारा जुआरी बना दिया, सब जुआरी हो गए, थूकते हैं लोग हम पे, टुच्चे टुच्चे लोग आ रहे हैं हमारी मदद करने, और लड़की के चचा ऋषि बाबू न्योते के इंतजार में बैठे, लड़ते रहना देखना वो आएंगे, नहीं आएंगे तो अच्छा ही तो बेटा, नहीं आएंगे तो अच्छा है, ओ भाई थाली का एक खर्चा बचेगा। अरे वाह 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 वाह, क्या नौटंकी दिखा रहे, खर्चा बचेगा, और लड़के वाले जो पूछते हैं कि लड़की का चाचा कहाँ है तो हम क्या झूठ बोले उनसे, गए तुम एक बार भी मिलने, मैं क्यों जाऊँ, क्यों जाऊँ मैं, वो आए हमारे घर पे एक बार भी, वो आए पूछने की भाई जीते हो के मर गए हो, नया घर लिया था, कोई जुर्म नहीं किया था, भाई सच सच बोल लो जाके सबको कि नहीं आएंगे जी, जब से अपना नया घर लिया है हम गरीबों से रिश्ता तोड़ लिया, बोल दो, और ये चले जाएंगे तो जैसे इनकी नाक कट जाएगी है, अरे बोलो इनको, मैं नहीं जाऊंगा तो नहीं जाऊंगा बस, नहीं जाऊंगा बस, चुप करो, नहीं जाऊंगा, अरे बड़े भाई नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, चले जाओगे तो क्या, नहीं जाऊंगा बस बोल दिया, नहीं जाएंगे बस, अरे अब तो बोल ही नहीं रहे तुमसे, जाओ तुम, भाई कार्ड देखोगे बाबू जी, दे देना शिबू बाबू को, अरे शादी के घर में कल अपने भाई की वजह से बस। और भाई अशोक बाबू अब तो अच्छा घर मिल गया जी, पढ़ाई करना नहीं तो, हाँ दादा जी पढ़ रहा हूँ, तुम्हें तो मालूम ही होगा कि बैठ जाओ बैठ जाओ, भाई रीता की शादी तय कर दी हमने, मुरादाबाद के लोग हैं, वही लड़का अपना, देख लो आ जाओगे तो अच्छा ही रहेगा, अगर टाइम मिल जाए तो। भाई चाय, क्या स्टील का ग्लास नहीं है, वो जल्दी जल्दी मालूम है ना भाई, ग्लास में पीते हैं, अभी ले आती हूँ, देख लो दिल करे तो आ जाना, अच्छा ही लगेगा, सब लोग मिलेंगे, आप बता दीजिएगा कुछ काम भी कर रहा हूँ, नहीं 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 काम वाम तो बस एक जरिया है, शमी की मम्मी बहुत याद करती हैं, रीता भी कई बार जिक्र चलता रहता है, आ जाओगे तो वो लोग भी खुश हो जाएंगे, चल देख लो अपना। आप क्या बात कर रहे हैं भाई, रहेंगे ना शमी, क्या नहीं बहू, मनमुटाव जो होता है वो सब बात की बात है, लेकिन तुम लोग रहोगे तो अकेलापन नहीं लगेगा मुझे, मनोबल बढ़ेगा, कोई कह रहा था आपने जुआ खेलना शुरू कर दिया, हाँ अगर जेल चल गया तो ऋषि बाबू आपसे तो उम्मीद नहीं करूंगा कि आप आए और मुझे छुड़वाएं, चलो शमी कुछ कुछ, अरे शम्मी आजा, आया आया
अच्छा चाचा पापा को बहुत समझाया अंकों की महत्ता के बारे में, लेकिन कुछ समझने को तैयार ही नहीं है। मैंने बोला तो बोले नहीं और उठा के दे दनादन पेल दिया। अरे बउआ, भैया किसी कहने से छोड़ना नहीं, कुछ मत करना भाई, समाज तो कुछ भी कहता रहेगा ना। सही बात है बिल्कुल भाई, जिसने खेला ही नहीं है खेल, उसे कैसे पता चलेगा इस खेल के बारे में। क्या गधों जैसी बात कर रहे हो यार, पूरे परिवार में लड़ाई चल रही है, इधर उधर से पैसा बटोर के ला रहे हो, दिन भर जुआ खेल रहे हो, बर्बाद करो, ये कोई समझदारी की बात है बउआ? यहाँ बैठो, जाके पूछो पंडित जी पर क्या गुजर रही होगी, पूछो जा करके बहू अपने बाबूजी से, पंडित जी को पूछो क्या लगता होगा उनको। कमाल है, अपने अंधों के शहर में आईना बेच रहा हूँ मैं। बाबूजी तो नाराज क्यों हो रहे हैं? जो रास्ता आपने दिखाया वही तो, उसी पे तो चल रहे हैं हम लोग, मार्गदर्शन आपका है। मैंने किसका क्या? अरे भाई मैंने नहीं कहा था आप लोगों से कि जुआ खेलिए। अरे मूर्खानंद, मैं अपनी जिंदगी में एक जूता ढूंढ रहा हूँ जिसमें मेरे पैर ठीक से आ सके। अब आप उस जूते में अपना पैर डालेंगे तो कटेगा ही ना, ऊपर से दोष ये कि जूते की गलती है। आप गलत समझ रहे हैं बाबूजी, हम तो आपके पास सिर्फ इसलिए आते हैं कि आपसे सीखने की इच्छा है। क्या क्या, क्या 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 सीखोगे चौधरी साहब, क्या सीखोगे आपसे हम? मैं तो खुद अभी अपना रास्ता ढूंढ रहा हूँ, अपना मेरा रास्ता। थोड़ी देर बात कर लो जी। माफ कीजिएगा, आप लोगों ने कुछ नहीं सीखा है, सिर्फ मेरी नकल करते हैं। अरे अपने अनुभव से जानो चीजों को, अपने अनुभव से, मेरे नहीं, अपने अपने अनुभव से जियो, नकल करते। अरे मैंने ताश खेलना शुरू कर दिया तो आप सबों ने ताश खेलना शुरू कर दिया, कल को मैं घंटा घर पे चढ़ के नंगा नाचूंगा तो नंगा नाचोगे मेरे साथ? बोलो। हाँ नाचेंगे ना बाबूजी, क्यों नहीं नाचेंगे। तू चुप रहा कर यार, ये बउआ तू ना हमेशा जो है ना। अरे तो मैंने क्या गलत बोला है? एकदम बाबूजी, हम तो भक्त हैं आपके, आप जैसा कहोगे ना हम वैसा ही करेंगे। आप लोगों ने मेरा बहुत साथ दिया है, हम सफर बनके एक उपकार और कर दीजिए, कल से हम बताइएगा। ये क्या कह रहे हो बाबूजी आप? ये क्या कह रहे हैं बाबूजी? ऐसे थोड़ी ना होता है बाबूजी, कोई गलती हो गई क्या बाबूजी? बाबूजी लेकिन आप कम से कम, मंडली खत्म खत्म। बाबूजी आप नाराज क्यों हो रहे हैं, बात तो सुन लीजिए हमारी। बाबूजी हमारा होगा क्या? शर्मा जी शादी में जरूर, शादी में जरूर आना, भूलना नहीं प्लीज। चल ये राय दुरुस्त है भौजी, आप भले ही छोड़ दें, हम नहीं छोड़ेंगे आपको। मत छोड़ना बेटा, पकड़ कर ना, संभल के डॉक्टर पे जाओ। जाओ भैया, भाई आइए आइए, प्लीज प्लीज, नाराज होने दिख रहे ना, चलिए चलिए चलिए। भौजी भक्ति में शक्ति नहीं थी हमारी शादी। जाओ जी, ये आप ऐसे, मैंने तो आपको अपना गुरु माना, आप ऐसे निकाल रहे हैं हम लोग। ठीक है चौधरी साहब, जाइए शादी में, बहुत दुख हो रहा है मुझे। चलो जी मजदार में छोड़ रहे हैं, चलो मजदार। मम्मी पकड़ रखना, इतना सारा काम है घर में। एक ग्लास रख बेटा, जाओ। हाँ भाई तुमने नहीं सुना, तुम कब जाओगे? बाबूजी मैं दर्जी हूँ, नाप लेने के लिए आया हूँ। तो नाप लो ना फिर। हक्का बक्का ला दे पिया, सारी गली में फेमस हुआ था कि हक्का बक्का ला दे पिया। अरे सीधा सा धसा, अरे बोला भला सा, आदत से सूरत से हसमुख सा था, पर जब से ये घोड़ी चढ़ा है कि ये मैचिंग कर रहे हैं तो काम के पहना दो, ये सेट तो पहन लो। लड्डू मास्टर, अरे यार ये कुछ लड़ियां यहाँ भी लगा दी होती, नंगी दीवारें पड़ी हैं। कोई संभालने वाला होता तभी तो होता काम, हमें तो धक्के मार के बाहर निकाल दिया था भाई। तू बुला लिया बेटा, इतना गरीब मत समझो। चाचा अरे क्या पता यार। अरे चाची कंगन तो दो, ये चुन्नी नहीं पहननी मुझे। अच्छा एक मिनट में आती हूं। क्या हुआ? कुछ नहीं।
बड़ी अच्छी लग रही है। हंस दो। सच में बोल। बारात आ गई रीटा। अच्छा अच्छा। काम से। ओम बारात आ गई। जल्दी दे जल्दी दे। अरे लता आ जाओ। अरे जल्दी आ जाओ। जल्दी चलो भाई बारात आ गई। बारात आ गई। चलो। अरे लता। क्यों भाभी? इनको छेड़ो तो बोले नहीं। पीछे 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 पीछे। इतना अच्छा कपड़ा हुआ। अज्जू कैसा लग रहा है? तुझे नीचे अच्छा लग रहा है। बाबूजी वो चाचा आ गए। देखो संभालो सब। हाँ नमस्ते भाई। चलो नीचे चलो। जी मैं रीटा को मिल के आता हूँ। आप ही मिल के जल्दी आना। जरूरत है नीचे तुम्हारी। डूब गया है मेरा। तनख्वाह देता हूँ मैं। थोड़ी बर्दाश्त करने की आदत डालो। भाई अज्जू के दूसरे चाचा जी हैं। अभी हमारा भी एक चाचा है। तू फिर इनकी मिलना। नहीं 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 दूसरे चाचा। दूसरे चाचा माला माला पहना। ये पड़ी। अरे शर्मा रहा देखो शर्मा। अरे बताओ ये। अरे वाह। चलो चलो जल्दी दिखा दे। अरे बाप रे ये कौन है? इसको देखो। अरे रे रे भाई। हाय रत्ना यार। तू ने शादी करेगी पक्का? देख ले। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलम हरि। अम्मा खाना कम पड़ गया। 80 लोगों का 120 खा चुके हैं। घोड़े वाले भी खा रहे हैं बराती भी खा रहे हैं। भैया हम पूजा में बैठे खाने का देखे तुम देखो वहाँ जाके किसी नारायणी नमोस्तुते। अब आप दोनों एक दूसरे का हाथ अपने हाथ में लीजिए। बोलिए मैं मन वचन कर्म से पत्नी धर्म निभाऊंगी किसी उपवन में अकेले बिना आपकी आज्ञा के नहीं जाऊंगी किसी अनजान व्यक्ति से अरे अम्मा अकेले नहीं मिलूंगी अम्मा वो बराती है ना बिट्टू भाई स्टेज पे उल्टी कर दी उसने क्या करना उसको उल्टी कर दी उसने मैं कभी अकेले पिक्चर नहीं देखने जाऊंगा कभी होटल में अकेले खाने नहीं जाऊंगा कभी होटल अकेले नहीं जाऊंगा और पति धर्म निभाऊंगा सोच के बोलो भैया कहना आसान है पति धर्म निभाऊंगा निभाना बड़ा मुश्किल है। अरे अम्मा अम्मा हटना जरा अम्मा अम्मा वो खाना वाना सब कुछ खत्म हो गया क्या इधर ध्यान दे इधर ध्यान चौधरी साहब अम्मा जी के हाथ के नीचे बैठा था बटावट बटावट तीन पड़े कान मत दिखावे नकली बाल चिपका के आयो ना सब उखाड़ दूंगा मैं क्या क्या बतली आ गया अभी तू वहां मरने जाता ही क्यों है ये बता। अरे ससुरे ऐसी तैसी कराए मैं कुछ करूंगा ही नहीं आज के अरे तू गए जाते क्यों है तुझे कहा है किसने अरे उधर चलो यार बाबूजी ने ठीक नहीं किया ये अब उधर मरना जा रहा हूं ना सही कह रहे हो जिन बेड़ियों को तोड़ा था ना उन्हीं को बेटी की शादी में धारण करके बैठे हुए इसका भी जरूर कोई मतलब होगा पत्ते लाया लाया ना निकाल ना पत्ते फिर से वही वाले मैं फिर आ रहा हूँ चलो बे ओ भाई विदाई अच्छा बुआ धीमे रे 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 ख्याल रखना धीमे रे 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 बाय जी धीमे रे 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 चली ओ धीमे रे यादों के ससुराल जा रही है तू रुक
अचंभे सी उड़ जाती है छोटे छोटे से से पगले मुड़ जाती है धीमे रे 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 धीमे रे 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 चलिए निठुर जाती है चलिए निठुर जाती है बाय सच पंडित जी आज आपने सिद्ध कर दिया कि आपसी बैर से ज्यादा सामाजिक प्यार बड़ा बेटी तो हमारी भी है ना जी चलते हैं ये देख के आना उनके घर पे चलो बउआ हाँ आ रहा हूँ किस किस को देना ये खुश लाओ मुझे गीता भी गई तू भी गई तू मत खाना ठीक है जी भैया थक गए होगे आज तो फोन कर लिया करो कभी अच्छा लगता भाई मुझे माफ कर दो अरे अरे ऋषि अरे ना भैया ना अरे क्या कर रहे हो मैं बहुत बुरा हूँ भाई अरे नहीं अरे कैसी बातें कर रहे हो भैया क्या बात है क्या बात है भैया क्या बात है अरे महिलाओं का काम नहीं प्लीज आप लोग बचपन जवानी शादी बच्चे काम काज कितना सुंदर जीवन कितना सुख कितने सारे अनुभव सब अनुभव को जोड़कर बना मेरा जीवन सब अनुभव का योग मैं अट्ठाईस बरस में तीसरी बार घुमाने लेके आए हो बाहर और लोगों को देखो हर छुट्टी पे जाते हैं 28 साल हो गए और नहीं तो क्या 28 साल से धौंस जमा रहे हो मेरे ऊपर बड़े अच्छे कर्म किए हैं तुमने जो इतनी अच्छी घरवाली मिली है सो तो है इधर देखो दो ना मतवारे तिहारे क्या कर रहे हो हम पर जुलुम करे पागल हो गए क्या हवा कितनी साफ है ना यहाँ है ना कितना हल्का सा लग रहा है सारे झंझटों से दूर अलग मुझे तो लग रहा है मैं उड़ रहा हूँ क्या हुआ नहीं हंस क्यों रही हो बोलो ना अब क्या बोलूं क्या उड़ तो तुम रहे हो वैसे बातें तो बड़े अनुभव की करते हो हैं लेकिन उड़ने का अनुभव है तुमको कुछ अनुभव अभी भी बाकी हैं जो कि सिर्फ सपनों में भोगे थे जैसे कि ये सपना जो बार बार मुझे आता था
कि मैं हवा में तैर रहा हूं, नहीं उड़ रहा हूं पंछी के जैसे। लेकिन ये सपना नहीं है, वास्तविकता है। ये हवा जो मेरे चेहरे को चूम रही है, ये साए साए की आवाज मेरे कानों में, ये यथार्थ है, सच है। मैं वाकई गगन को चीरता चला जा रहा हूं, चला जा रहा हूं, जैसे मक्खन में गरम छुरी। ये सपना नहीं है, मैं उड़ रहा हूं, मैं उड़ रहा हूं।